हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है और हम लोग हमारे पहले अध्याय का जो लेक्चर से चालू रखेंगे। कल 9वें श्लोक तक किया था मैंने इंट्रोडक्शन को भी, और थोड़ा जो बचा था वो आपको बताया था, फिर थोड़ा बैकग्राउंड बताया था, और 9 श्लोक तक हम लोग पहुंच गए थे जहां पे हम सब दुर्योधन की डिप्लोमेसी या दुर्योधन कैसे राजनीति कर रहे थे, क्योंकि वो थोड़े इनसिक्योर थे। अगर आप देखो तो पांडवों के खेमों में इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पे दुर्योधन जो है वो पहले ही आचार्य उपसंगम में पहले चले गए आचार्य द्रोण के पास, और जब वो अपनी आर्मी का भी वर्णन कर रहे हैं तो भवान भीष्मश्च कर्णश्च, वो कह रहे हैं कि भवान आप हैं, भीष्म हैं, ऐसे हो नहीं सकता, गलत सीक्वेंस है, पहले बोलना होगा भीष्म है फिर आप हैं क्योंकि द्रोणाचार्य को भीष्म ने अपॉइंट किया था एज अ गुरु। द्रोणाचार्य के पास कुछ नहीं था, जब उन्होंने देखा एक बार द्रोणाचार्य बॉल निकाले हुए बाणों के तीरों के वो बना दिए थे कुएं से बाण गेंद निकालने के लिए, तो ये देख के भीष्म ने उन्हें अपॉइंट कर दिया था एज अ गुरु टीचर कौरव और पांडवों के लिए। तो सवाल ही नहीं आता है कि आप द्रोणाचार्य का नाम पहले ले ले, ये तो वो व्यक्ति होते स्वार्थ के लिए किसी को भी आगे कर देता है किसी को भी पीछे कर देता है, ये वाला हाल दुर्योधन का था। और अभी हमने देखा कि बोलते बोलते उन्होंने 17-19 लोग पांडवों के सुना दिए, पर अपने बहुत कम ही सुनाए हैं, जो हमने कल देखे 7 या 8 ही सुनाए अपने साइड से, और वो अब कह रहे हैं। और कल उन्होंने अब वो भीष्म के साथ थोड़ा डिप्लोमेसी करने वाले हैं, तो आइए हम लोग चालू करते हैं। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो 10वां श्लोक आप सब निकाल सकते हैं, जब भी हम पढ़ा रहे हैं तो कृपया करके गीता अपने सामने रखिए, बहुत अच्छा होगा। जिनके पास हार्ड कॉपी नहीं है, अगर आप ऑनलाइन अभी पढ़ रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन, अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी भी आप श्लोक पढ़ सकते हैं मेरे साथ, और ट्रांसलेशन में पढ़ के जो आचार्यों के कमेंट्रीज हैं और जो इसमें समझाने योग्य चीजें हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति, अभी ये दुर्योधन कह रहे हैं अभी भी, क्योंकि कल तक कंटिन्यू हमारा, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहां पे एक खास चीज ये है कि अपर्याप्त जो शब्द होता है, पर्याप्त और अपर्याप्त, तो ये किस टोन में आप बोलिएगा वैसे इसका मीनिंग निकलता है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ गांव में भोज कराते हैं या गांव में सबको प्रसाद कराते हैं, फेस्टिवल होता है तो किचन में अनलिमिटेड होता है, बहुत सारा बना हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे पर्याप्त है आने दो सबको, अरे भेजे डबल लीजिए, पर्याप्त है, आह पर्याप्त अनलिमिटेड है। जब आप उस कंटेक्स्ट में बोलिएगा, जब बोलिए इतने लोग का खाना खाना है, पर्याप्त है मतलब हो जाएगा, बॉर्डर लाइन तक चल जाएगा, वैसे ही अपर्याप्त का भी वो हो जाता है। अपर्याप्त है मतलब अमर्यादित है, खिलाइए जितना खिलाना है, अपर्याप्त है उतना नहीं है तो अब ये कितना स्मार्ट है दुर्योधन, ऐसे वर्ड यूज कर रहा है ये इंडिकेट करने के लिए, वो क्या कह रहा है, हमारा जो यहां देखेगा अपर्याप्तम तदस्माकम, हमारा अस्माकम, हमारा क्या है अपर्याप्त है, क्योंकि हमारा संरक्षण जो है वो भीष्म कर रहे हैं, तो हमारा अनलिमिटेड है और इनका लिमिटेड है, क्योंकि भीम जो है भीम के अनुभव में आ रहा है। अब क्यों ऐसा इसका कहना है, क्योंकि भीष्म जो है इन्हें बहुत सारे युद्धों का अनुभव है, क्योंकि जब काशीराज अपने तीनों बेटी अंबा अंबिका अंबालिका का वो कर रहे थे, और यहां से सत्यवती ने कहा कि जाओ अब विचित्र वीर थोड़ा बैठे रहता है काम नहीं करता, इसके लिए पत्नी खोज के लो, कोई दे नहीं रहा था उसको ऐसा ढंग का आदमी नहीं था वो, तो वो गए
और जब काशी उधर स्वयंवर चल रहा था तो ऑलरेडी अंबा का किसी राजा के साथ सेटिंग हो गया था कि मैं इससे शादी करूंगी। वो बेचारा ऑलरेडी रेडी बैठा था कि हमें तो सिर्फ जाना है, डायरेक्ट हार पहनाएगी। लेकिन प्रारब्ध किसको क्या देता है ये तो प्रारब्ध ही जानता है। तो वो वहां गए और भीष्म सीधा गए। तो जब ही भीष्म गए तो स्वयंवर में आए हुए सब लोग खड़े हो गए, क्योंकि सब जानते थे कि इस पूरे संसार में धर्म परायण पर भीष्म के सिवा और कोई नहीं है। और शक्तिशालियों में आचार्यगण वर्णन करते हैं कि कौरव पांडव सारे योद्धा जम्बूद्वीप के एक साइड और भीष्म केवल अकेले एक साइड। उसमें भी भीष्म केवल अपने तर्कस का जो वो होता था ना धागा, उसको क्या बोलते हैं, हाँ प्रत्यंचा, धनुष का प्रत्यंचा, वो खींच भी लेंगे ना अगर उसको छोड़ देंगे एक फ्रीक्वेंसी में टाइम दंग, उस आवाज से सबकी मृत्यु हो जाएगी, महारथियों की भी मृत्यु हो जाएगी। इतना पावरफुल भीष्म अकेले थे। इसलिए जब ये कर्ण और अर्जुन ने क्या शुरुआत में अपना डिस्प्ले कर रहे थे ताकत, तो ये दोनों भी एक आग छोड़ रहा है, एक पानी छोड़ रहा है, और वो भीष्म आराम से देख रहे थे, उनको कोई टेंशन नहीं था, उनको मालूम एक मंत्र मारूंगा तो दोनों भी गिर जाएगा, वो ऐसे थे, तो कॉन्फिडेंस था। तो ये भीष्म है जिनको इच्छा मृत्यु। तो जब वो गए थे काशी के, काशी में वहां स्वयंवर में, तो विचित्रवीर के लिए लाने गए थे, उनको तो शादी नहीं करना था, उनको ऑर्डर आया तो गए। गए तो अब सब खड़े हो गए, भैया भीष्म के सामने कौन स्वयंवर करेगा तो अब क्या हुआ, वो सीधा बोल दिए कि ऐसा ऐसा है, आप में से कोई करना चाहता है तो आइए मेरे सामने। तो बोले नहीं सर, आप ले जाइए सर भीष्म, जाइए, आपसे पंगा कौन लेगा। हाँ पांचाल भी कभी मस्ती करता था, भीष्म सिर्फ उठा के लेके आता था विचित्रगिरी को, कभी उसको लड़ते ही नहीं थे भीष्म से, क्योंकि उनको वरदान था ना, एक तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो ऐसे ही नहीं मरेंगे आप कितना भी सब छोड़ दो। हाँ इसराइल को एक भीष्म चाहिए अभी फिलहाल, जो आगे जाके सब गोलियां खा ले। तो इन्होंने क्या किया, तीनों को उठाए। तो अंबा जो है वो ये उठा, क्या नाम इसका, जो जो बॉयफ्रेंड था हीरो राजा, वो उठा, बोलते मतलब वो हो गया कि अंबा मेरी है। तो आया भी लड़ने भीष्म से कि भैया सच्चा प्रेमी था लगता है, आ गया भीष्म के सामने, भीष्म ने एक लात मारा, इतना दूर गया कहते कि उसका मतलब उठने को नहीं हो रहा था उसको। तो बाद में अंबा बोली नहीं मैं इसी से शादी करूंगी। तो वो क्या बोला कि अब तुम मुझसे कैसे शादी करोगी, भर सभा मेरा अपमान हो गया, मेरा तो मेरे को लात मार दिया, मतलब मैं हार गया हूं भीष्म के सामने, तो अब तुम्हें स्वीकार भी करना मतलब गलत है, क्योंकि अब तुम वो जिधर बोलेगा वैसे शादी करना पड़ेगा, मेरे से नहीं कर सकते, वो डिग्निटी में रहते थे लोग, ये नहीं आ रहे उससे ब्रेकअप हो गया आ जाओ ना मैं हूं, वैसा नहीं होता पहले ऐसा नहीं होता था। तो भीष्म ने लेके गया, तो फिर अंबा जो है वो बोली नहीं मैं विचित्र वीर से नहीं तेरे से शादी करूंगी, तू शौर्य दिखाया। तो बोले नहीं, लेकिन वो क्लियर था कि मैं इसके लिए आया हूं। बोले नहीं तुझसे करना, तो बोले ये असंभव है। तो बोले इसका मतलब तूने अधर्म किया है। तो भीष्म के धर्म का परिचय लेने के लिए वो बोले देखो भीष्म खुद बोल रहे हैं अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं अन्याय कर रहा हूं तो तुम मेरे गुरु परशुराम के पास जा सकती हो, क्योंकि वो तुम्हें न्याय देंगे। परशुराम के पास जाती हो ऊपर हिमालयों में, सोचो माता जी कितना डेंजरस थी, अंबा इसलिए होते नहीं, अरे अंबा है अंबा भाई हो गई है वो गई, और परशुराम को ध्यान करके आह्वान किया। परशुराम आए बोले बेटी क्या हुआ, बोलते ऐसे ऐसे मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे को स्वयंवर में जीतने के बाद भी स्वीकार नहीं किया गया है, कौन है यह धर्मी, कौन है यह धर्मी, मैं उसको मारूंगा। तो बोले मेरे साथ ऐसे, तो बोले एक काम करो मैं क्यों जाऊं, नीचे मेरा एक शिष्य है वो धर्म का ज्ञान रखता है और न्याय देगा। बोले कौन, बोले भीष्म के पास जाओ। बोले अरे उसी से तो लफड़ा हो गया हमारा तो बोले उसने ऐसे कैसे कर दिया, बुलाओ उसको। तो भीष्म आए, तो भीष्म के गुरु थे, बोले मैं आपके सामने कैसे शस्त्र उठाऊंगा। बोले नहीं, अपने धर्म का परिचय देने के लिए तुम्हें मेरे साथ शस्त्र उठाना होगा, और तुम मुझे परास्त किए तो समझ जाओगे कि तुम धर्म के दिशा में काम किए थे। तो याद रखिए धर्म का कॉन्शियसनेस में होता है, हमने बाहर से क्या किया वो एक्सटर्नल होता है, अंदर से आपने क्यों किया वो वहां पकड़ में आता है। हाँ जैसे कोई झूठ बोलता था कि आग तिल मिलाता है ना, नहीं झूठ बोला होगा तो आग क्लियर करके बात करता है, ये फर्क होता है। तो इन्होंने क्या किया, परशुराम से युद्ध किया और परशुराम जीता, हरा नहीं पाए भीष्म को, तब वो समझ गए। तो अंबा और चिढ़ गई, अरे गुरु चला एक हो गए अब मेरा क्या। तो जिसका इस संसार में कोई नहीं तो नमः पार्वती पतये हरा हरा महादेव चले जाइए, बाबा भोलेनाथ है, सुर असुर सब उनको प्यारे हैं। वो गए बोले शिव नम नमः शिवाय, किया उसने तपस्या किया, बाबा भगवान बोले क्या हुआ, बोले ऐसा जाओ तुम्हें क्या चाहिए, बोले मैं उसका मृत्यु का वो बनना चाहती हूँ कारण,
भीष्म का, बोले जाओ तुम्हें वरदान दे दिया, तब वो शिखंडी के रूप में आई और वो मृत्यु का कारण बनी। लेकिन बात यहां आता है कि भीष्म धर्मपरायण थे और उनको मृत्यु का इच्छा मृत्यु था, और वो ऐसे उनके लिए आर्मी फैलेंग्स वैलेंग्स मोमेंट में हिला सकते थे, मोमेंट में। भीष्म चाहते तो एक दिन में पूरा महाभारत खत्म, लेकिन अच्छा यहां आते हैं, फिर वापस भीष्म के पास आते हैं। बलम भीमा भी रक्षितम, वो कह रहे कि भीम जो है इसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये इसका देखो भीम में ताकत बहुत था और दुर्योधन में स्किल्स, तो इन दोनों के युद्ध में ना वो जीतता नहीं था कोई। और भीम का नाम क्यों लिया जबकि दृष्टद्युम्न सब लीड कर रहा है, तो दुर्योधन देखो भीम का नाम ले रहा है, क्यों ले रहा है? हाँ उसको डर है कि मुझे कोई मार ही सकता इनमें से, तो भीम है। क्यों, क्या होता है, सामने वाला जो क्षत्रिय जिस शस्त्र से आपको प्रहार कर रहा है उसी से करना होगा, ये नहीं कि आप पत्थर मार रहे हैं वो बंदूक मार रहा है, वैसे नहीं होता है। तो दोनों को बंदूक दो तब समझ में आएगा, या दोनों को भाला दो, दोनों को गदा दो, तो दोनों को गदा आता था तो उनको मालूम मार ही सकता है तो भीम मार सकता। आपको मालूम होगा लास्ट में कैसे मारा द्रौपदी, गांधारी ने बोला कि बेटा तुम ऐसे ही नग्न आ जाओ, तुम्हें मैं पूरा कवच बना दूंगी, मेरा पट्टी खोल दूंगी, तो मेरा पतिव्रता का जो है उससे तुम्हें कवच बन जाएगी, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। वो आ गया हमने रूम से महल से सुबह उठ के घूम रहा है नागा बाबा। तो अब ये तो कृष्ण जानते थे कि ये जाएगा कवच बनेगा तो भीम को मारने में तकलीफ होगा, तो भगवान भगवान भी वहीं से टहलते टहलते मॉर्निंग वॉक में पहुंच गए। बोला अरे दुर्योधन ओ शेम शेम पप्पी शेम, ये क्या हो रहा है, नॉट गुड। तो उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है तुम्हारा, तो बोले अरे मम्मी ने बुलाया है ऐसा सा किया है। तो बोलते सुनो माँ है स्त्री है, शर्म रखो थोड़ा, कम से कम यहां से यहां केला तो लगा लो, केला का पत्ता तो ढक लो, बेचारा अपना काट लिया, एक तो टहनी यही कुटाम से गया था, काट लिया टहनी केले का लगाया, ऐसे भी हमारी गाय खाते रहती थी केला का, वो भी ले गया, ऐसा पिन लगा लिया, चला गया मम्मी के पास। मम्मी बोले बेटा जैसे मैंने कहा वैसे आए हो? बोले हाँ, झूठा तो ये बोलता ही रहता था, उसको तो सत्ता चाहिए, ये सच कब बोला था? बोले हाँ ठीक है मैं पट्टी खोलती हूँ। गांधारी ने पट्टी खोला ठाए करके ऊपर से उसको नीचे देखा कवच, उसने बोले बेटा तुमने क्या किया? बोले क्या हुआ? बोले यहाँ अकेला क्यों पहन लिया? तो बोलते है नहीं नहीं वो बोले तेरे को कृष्ण मिला था रस्ते में, गांधारी खुद पूछती है। बोले हाँ तुझे कैसे मालूम, समझ रहे हो किसी के मन का जानना तो दूसरे जीव का काम मुश्किल है उसको, लेकिन भगवान सबका मन जानते हैं। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, अर्जुन तुम तुम्हारा क्षेत्र जानते हो, मैं सबका क्षेत्र जानता हूं। ये फर्क है। तो भगवान जान गए, तो गांधारी बोले अब तेरा कुछ नहीं होगा। तो जब 28 दिन युद्ध चला तो लास्ट में भगवान भीम को बोले, भीम ऐसे अपने जान को ठोक के बोले इधर, तो नियम है कि आपको घुटने के इधर नहीं मारना है, मतलब इधर या इधर ऐसा नहीं मारते, इधर मारते हैं और सर पे नहीं मार सकते, ऐसा कुछ रहता है। गधा का भी नियम है, ये नहीं कि किधर भी ले लिया टाइम मार दिया। आजकल के लोगों से ऐसा नहीं था, रूल्स होते थे, ये युद्ध में भी रूल्स है कि आप रात को सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले ही खेला जाएगा, उसके बाद दोस्ती पूर्ण व्यवहार, ये टाइप होता था, साइन होता था एग्रीमेंट, एंड युद्ध में क्या एग्रीमेंट, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बाद में 10वें दिन बाद टूटी गया, जब भीष्म गिर गए तो सब राड़ा हो गया, उन्होंने रात को अटैक करना चालू किया, और अर्जुन जो था वो रात्रि को भी देख सकता था, नाइट विजन गॉगल थे उसके। अच्छा तो फिर भीम ने वहां वार करके उसको हरा दिया। तो यहां क्या कह रहे हैं कि भीष्म जो है, भीष्म का रक्षण जो है वो अपर्याप्त है, अनलिमिटेड है, भीम बच्चा है इसका, क्या ऐसा ये बोल दिखा रहे हैं। अब ये बोल क्या रहे हैं, एक्चुअली भीष्म का कोई गारंटी नहीं है, ऐसे रामानुचार्य अपने तात्पर्य में बताते हैं। क्यों? क्योंकि इनका इन लोगों से क्या है, प्रेम है, संबंध है, तो इसलिए ये उनको मारने वक्त हर बार थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ रीजन बना के पीछे जाएंगे। और वो ये जानता था कि ये धर्म के साइड से है, कौन, भीष्म, तो और ये धर्म क्षेत्र है, तो युद्ध के समय भी ये जो है केवल धर्म की साइड से ही काम करेंगे, और वो उन्होंने किया भी था, क्योंकि युद्ध से पहले सभी सभी लोग अपने अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया,
बाण उठाया युधिष्ठिर ने अर्जुन ने, और वहां उनका जो रथ था युधिष्ठिर का उस पर नीचे मारा, तो ऐसे दंडोत होता था तभी। ये क्षत्रियो का दंडोत प्रणाम है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च परिदानं भावनेभ्यो। तो दंडोत किया है, कैसा लगा? ऐसा होगा मुंबई में मतलब ऐसा दंडोत प्रभु वांछा ऐसा करते बैठे बैठे प्रभु वांछा। तो उन्होंने मारा, और भीष्म ने क्या किया? भीष्म ने आशीर्वाद दिया विजयी भव। और जब दुर्योधन ने पहुंच हुआ था तो उन्होंने विजय भव नहीं बोला था, युधिष्ठिर को विजयी भव बोल दिया। और युधिष्ठिर को खुद बोल दिया कि मैं स्त्रियों के सामने शस्त्र नहीं उठाता। अपना तोड़ को ये बताता है, कोई भी योद्धा अपना तोड़ दूसरे को नहीं बताएगा। अरे अपने आदमी को भी नहीं बताता, वो दूसरे को भी बताएगा। क्यों बताया? वो चाहते थे तुम मुझे मार दो और धर्म की स्थापना करो। इसलिए अब दुर्योधन क्या कह रहा है? दुर्योधन असली में अंदर से कहना चाहता है कि भीष्म कहां पर अब लिमिटेड है, अब भीम को अच्छा प्रोटेक्शन है इसका, कहां पे अभी ये बोलोगे नहीं प्रुजे तो आप बोल रहे हैं। बोले नहीं, अगले श्लोक में पढ़िए सुनिए। ठीक है, अब अगला श्लोक लीजिए, ग्यारहवां। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अब देखो क्या कह रहे हैं अभी अपने सेना वगैरह को, कह रहे हैं कि इसलिए आप लोग अपने अपने जगह पे खड़ा होके जो भी आर्मी का टीम्स हैं कैप्टन, और भीष्म को प्रोटेक्शन दें। अगर वो कह रहा है कि भीष्म के प्रोटेक्शन अनलिमिटेड है तो भीष्म को प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? इसी से पता चल रहा है कि वो बोला था एक और अंदर से उसके मन में पता चला, समझा? ये वो कह रहे, क्योंकि वो ये भी जानते थे कि भीष्म जो है ना, भीष्म और द्रोण, ये दोनों भी द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय साइलेंट थे, शांत थे, तो इसका मतलब हमारा नमक है, वो मेरे गुलाम है। लेकिन अब वो देखो क्या कह रहे हैं, अपने आर्मी को भी मरवाने का डायरेक्ट स्टेटमेंट बोल देगा अगले श्लोक में। खोलिए तो बारवा। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनोद्योच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने, ठीक वर्ष है ना, हाँ, सिंह गर्जना की किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब क्या हुआ अगला? इसमें शंख बजाया और उनको आनंद हुआ। ये टेबल थोड़ा इधर, ये थोड़ा इधर आ गया, मतलब थोड़ा ये बुक रखना था। तो वो ये कह रहे हैं कि जो शंख बजाया, तो इधर एक परपोट में बहुत अच्छा चीज आता है इस शंख के बारे में, कि ये जो शंख है इसको सिंह नाद की तरह कहा गया है। तो इधर एक ग्रामेटिकल चीज है जो जनरली कोई पॉइंट आउट करता है उसको बताना जरूरी होता है। यहां लिखा है सिंह नादम, तो नादम आता है वो द्वितीय दिख रहा है, परंतु इसका अष्टा सिंह नादम विनद्य, तो अष्टाध्यायी 3:4:45 का रूल है उपमाने कर्मणिचर, वह पाणिनी व्याकरण का रूल है जो 1400 रूल्स है उसमें से रूल है तीसरे पद का, कि जो एजेंट है वही ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। तो यानी सिंह नादम यानी लाइक सिम्मा, सिंह ने नाद नहीं किया, सिंह की तरह नाद हुआ ऐसा, ये जानबूझ के बताया मैंने, ठीक है। और दुर्योधन को खुशी हुआ। अच्छा 13 लीजिए अभी हम लोग, हाँ, तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे, वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। ये बहुत जबरदस्त आवाज आ रहा था। देखिए जैसे युद्ध बकरी को काटने जाते ना, जो बलि देते हैं, तो बहुत जोर जोर से बजाते हैं, ए डांग 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 डप डप डप,
पूछ रहे क्यों, तो बकरा जब कटता है तो उसका आवाज, उसको दर्द, उसका लगा हाँ कच है गया ऐसा। तो युद्ध में क्या होता है, जैसे बाण वाण लग गया ना तो या कुछ लग गया तो खून आएगा और ये होगा, लेकिन आवाज इतना वो रहता है ना कि पीछे और क्यों मारो, मतलब रोता थोड़ा। अभी वो मैंने एक देखा वो फ्री हैंड रेसलिंग को क्या बोलते हैं आजकल, मिक्स मार्शल आर्ट्स टाइप रहते हैं, कुछ भी डायरेक्ट मारना होता है, उसमें एक प्लेयर है कोई तो वो अगर सामने वाले ने उसको एक मारा ना तो खुद को और एक मारता है, तो सामने वाले तरी मतलब सामने वाले उसको ऐसा मारा तो भी बोलते ओ और मार, औ का ये वाला चीज है। तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लग गया, क्या क्या बज रहे थे वापिस एक बार पढ़ो, शंख, तो सब लोग एक बार शंख का आवाज निकालो, और क्या बजा था, बिगुल, नगाड़े, नगाड़े कैसे बजते हैं, ढांग ढांग ढांग, ठीक है, और बिगुल, बिगुल कैसे बजता है ऐसा, जो भगवान की तरह रखा रहता है ना वो बिगुल होता है, बैल के उसका होता है सिंह का। हाँ तुरही, तुरही क्या होता है, रिसर्च करेंगे तथा सिंह, सिंह क्या होता है, सिंह भी कुछ होता है, बिगुल जैसा, बिगुल टाइप का नया सिंह रहेगा, सिबुल के गांव में वो सहसा एक साथ बज उठे। तो अभी हम क्या करेंगे, ए तुम लोग शंख बजाएगा दोनों, ठीक है, आवाज करो एक साथ, एक साथ आवाज होना चाहिए, युद्ध का माहौल हो जाना चाहिए रूम में। हाँ तुम लोग है ना वो बजाओ बिगुल और सिंह, हाँ तुम लोग क्या बजाएगा, और ढोल नगाड़ा और क्या था इसमें, हाँ जितना भी हल्ला गुल्ला आवाज़ सब करो एक साथ, एक दो तीन, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन पान शान या की जान का हो दान, तुम एक धनुष के बाण पे उतार दो, आगे का गाना तुम बाद में सुन लो अंत है, हाँ मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दाड़ दो। तो ये बैकग्राउंड होता है क्षत्रियों का, ये नहीं कि दूध बात खाए आराम से सो गए नहीं, क्षत्रियों को मजा आता है, आपको लगता है इतना खून खराब है, नहीं बाबा नहीं, अरे उनको मजा आता है, लाइक दो तीन खाते दर से खून आता तब मजा आता है, आहा अब चालू कर सकते नारायण ब्राह्मण ने खून देख लिया तो भाग जाता है, हे हे हे। तो क्षत्रियों को मजा आता है। अब बनिया होता है उसको जहां पैसा दिखता है वैसा, अच्छा ये कितने का है ये हम वहां बेच सकते हैं क्या, कितना टैक्स लगता है, उसको उसी में ध्यान रहता है, शूद्र हो जाता तो होता है, अच्छा इधर कामगार चाहिए मैं आ रहा हूं, ऐसे रहते हैं, हर एक अपना गुण है। तो क्षत्रियों को मजा आता है, उनका खून खोलता है। अरे महाभारत में एक किसी आचार्य ने बताया मुझे, लेकिन अभी इसमें मेरा रेफरेंस नहीं मिला, हो सकता है कहीं से उन्होंने खोज के बोला हो, वो बोले महाभारत में ऐसे लोग थे जो कुछ कौरवों के साइड से थे, कुछ पांडवों के साइड से थे, और कुछ ऐसे लोग थे उर्धंकारी जिनको दोनों ने भी नहीं बुलाया था लेकिन वो लोग क्षत्रिय थे, तो वो लोग भी आ गए युद्ध में, वो खुद अपने आप को आधे में बांट लिए, अरे महाभारत युद्ध हो रहा है हमको इन्वाइट नहीं किया तो अभी घुस गए आ भाई मुझे मार, तो ये लोग कंफ्यूज थे हमारे साइड से कि उस साइड से, बीच में कंफ्यूजन हो रहा था, तो ये फर्क है, ठीक है। फिर 14 तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़े घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अभी क्या हुआ, कृष्ण और अर्जुन कहां खड़े हैं, रथ पे, और अब वो क्या कर रहे हैं, वो भी दिव्य शंख बजा रहे हैं, तो उनके शंख को क्या मान कहा गया है, दिव्य कहा गया है, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा। अभी यहां से विजय के चिन्ह चालू हो जाएंगे, आपको याद है इधर 14 से 20 हमने देखा था पहले अध्याय का बाइफरकेशन, 1 से 13 युद्ध की तैयारी, और 14 से 20 क्या है, विजय के चिन्ह। पहला चिन्ह क्या है, दिव्य शंख, मैं इंग्लिश में लिखता हूं हिंदी बोल ही रहा हूं, डिवाइन कॉन्च, दिव्य बोला गया है। दूसरा क्या है इसी श्लोक में,
हाँ, तथा श्वेते रहे संदने माधव, माधव नाम है, देखो क्या है, माधव, माधव यानी कौन, कृष्ण, माधव यानी कृष्ण नहीं, लक्ष्मी के पति को माधव कहा गया है। तो जहां पति है वहां पत्नी होगी, तो जहां कृष्ण है वहां ऑपुलेंस होगा। तो ये संजय किसको कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को, माधव, माधव नाम क्यों लिया, यहां भगवान का ना अलग अलग नाम लिया जाएगा अध्यायों में, क्यों लिया जाता है, और कृष्ण अर्जुन या किसी को भी बोलते हैं एक नाम से पुकारा जाता है, जैसे मुझे कोई बोले प्रभु जी, इसका मतलब सामने वाला डिवोटी है। अब कहीं स्टेशन में जाते हैं, टिकट चेक करवाते हैं, तो बोलते हैं हाँ बैठिए, उसके लिए मैं वो हो गया, वो उसका दर्शन दिखाते हैं, मुझे क्या बोलता है, बोलते हैं टक लिया, तो समझने का ये बाहर का तो टाइम पास कर रहे हैं, हर कोई अरे महात्मा जी, मतलब समझने का ये ज्यादा ही सेंटिमेंटल है, इतना बड़ा महात्मा तो मैं हूं नहीं, तो ये वो समझाते। तो वैसे संजय एक एक वर्ड भगवान के लिए और अर्जुन के लिए यूज कर रहे हैं, वो इसलिए कि वो उनको वो रेफर कर रहे हैं कि माधव यानी वो जो सबसे क्या बोलते हैं उसके शुभ है माता लक्ष्मी, उनके वो पति हैं, तो कैसे अशुभ हो सकता है इस कैंप में, और वो तो 10 दिन बाद आए ही थे ना, तो उनको मालूम है देखा क्या हुआ है, तो पहले से उनका धृतराष्ट्र का जो टेम्परेचर है वो ऊपर कर करके लेके जा रहे हैं। ये दूसरा सिम्टम है, ठीक है। और प्रपद परपोट में भी लिखते हैं जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दना, कि जहां पे पांडु पुत्र हो और उनके पक्ष में जनार्दन हो तो क्या होगा, विजय निश्चित है, ठीक है। और अभी जो इनका रथ मिला था, ये रथ ही विजय के लिए मिला था, जो रथ मिला था ना ये कहां से मिला था, इनको अग्नि ने दिया था, वरुण देव को बोला था देने के लिए और अग्नि ने दिया था। तो वो जो रेफरेंस है आपको महाभारत का आदि पर्व खांडव प्रस्थ खांडव नहीं हाँ खांडव दह पर्व 224:10, ठीक है 224:10। खांडव अगर वो नहीं मिला तो भी आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं परिसर में आदि पर्व महाभारत में, यहां ये रेफरेंस आता है पूरा कि ये जो रथ दिया था अर्जुन को वो उन्होंने दिया था। और ये रथ की खासियत थी कि इसमें जो घोड़े हैं वो श्वेत हैं, व्हाइट हॉर्सेस शुभ माने जाते हैं। अच्छा अब उनका जो शंख है, उनका जो चैरियट है, उसका वर्णन आगे भी आएगा। 15वां श्लोक गाते हैं पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दग्नो महाशंखम भीमकर्मा रुकोधरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। तो सबके शंखों का नाम यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसमें से आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ, इसके थोड़ा सा परपोट, और परपोट में भी है बहुत कुछ। तो कृष्ण ने बजाया पांचजन्य, पांचजन्य कहां से बना किसको मालूम है, हाँ और राक्षस को मार के उसके हड्डी के बना थे, कौन से राक्षस को मारा था, होमवर्क, अर्जुन, हाँ अर्जुन ने कौन सा माना बजाया, देवदत्त, भीम जो था उसको यहाँ पे वृकोदर कहा गया है, क्यों वृकोदर कहा गया है, बड़ा सही है क्योंकि बहुत खाते थे उधर पेट, ये महापुरुषों का लक्षण है बड़ा पेट, पहले मैं टेंशन में था पेट बड़ा हो रहा है, बाद में पता चले महापुरुषों का लक्षण है। मध्वाचार्य कहते हैं महापुरुषों का लक्षण होता है शोल्डर चौड़ा होता है, कपार थोड़ा बड़ा होता है, पेट बड़ा होता है, ठीक है। तो जो लोग दुबले पतले हो रहे ध्यान दीजिएगा। तो फिर वो कह रहे हैं वृकोदरा, एक्चुअली एक बार एक चक्रग्राम का ये कथा है, जब कुंती माता गई थी ब्राह्मण के घर पे, लोग रुके थे जब वनवास था तभी, तो ब्राह्मण के घर पे रुके थे, पांचों पांडव थे वो लोग, एक ही उनका उत्तरी था, धोती में थे वो लोग रहते थे। अब प्रॉब्लम ये था कि जो भी खाना आता था चार पांडव और कुंती मिला के वो खाते थे, और एक जो था वो भीम खाता था हाफ, जो भी खाना मिलता था उसका आधा भीम लेता था और आधे में ये लोग, इतना एडजस्टमेंट होता था, इसको बोलते स्पिरिचुअल कम्युनिज्म, सबको उसका उसका हिस्सा। अब प्रॉब्लम था कि यहाँ ब्राह्मण के घर पे भीम, समझ रहे ना, उसका तो ऑलमोस्ट फास्टिंग ही चल रहा था। तो ब्राह्मण का उस गांव में एक असुर था जो गांव को तहस नहस कर रहा था, गांव वाले क्या बोले
कि हम हर रेगुलर इंटरवल पे एक आदमी और खाना आपको भेज दिया करेंगे, आप प्लीज मारा मत करिए गांव में। तो उस टाइम उस घर के ब्राह्मण का नंबर था, तो जो ब्राह्मण है वो बोला कि घर वालों को बोला कि ठीक है मैं जाऊंगा कल ये सब लेके, खाना वाना भी भर के ले जाना होता था, खीर वीर वो गांव वाले बनाते थे लेकिन एक आदमी के भोजन के रूप में चाहिए था उसको। तो बोले मैं जाऊंगा, लेकिन तो पत्नी बोली अरे आप क्यों जाइएगा, मैं जाती हूं क्योंकि मेरे जाने से कुछ फर्क नहीं गिरेगा, आप जाइएगा, आप दूसरा शादी कर सकते हैं, इनको माँ भी मिल जाएगी, फिर आगे वो भी हो सकता है घर भी चलेगा, मेरा क्या है, मैं तो कोई काम की नहीं हूं, ऐसा वो बोली। देखिए पहले त्याग होता था, मैं बलिदान दूंगा, आजकल होता है मैं क्यों जाऊं, तू जाना, तूने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन फॉर मी होल लाइफ, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया तेरे से शादी करके, मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते, तू मर। अभी वैसा नहीं था, तभी कैसा था, मैं जाऊंगी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं सम हूं, मैं जाऊंगी। उतने में बेटा बोलता है अरे माता पिता आप क्यों जाएंगे, आप रहेंगे तो और एक पुत्र हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ, मेरा क्या है, मैं ही पुत्र हूं, मेरा तो कर्तव्य है कि पिता और माता के लिए अपना प्राण का आहुति देना, मैं जाऊंगा। तो उनकी बेटी बोली अरे मैं तो वैसे भी दूसरे घर जाने वाली हूं, मैं चले जाती हूं, मेरा काम है वैसे भी, मैं ये देखो ये त्याग है। आज ये सुन के कुंती महारानी पीछे से हंस रही थी, देख रही थी, वो वहां सामने नहीं खड़ी थी, पीछे सुन रही थी, बोला अरे, तो बोला अरे आप लोग क्यों चिंता में है, तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बोले नहीं 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 आप चिंता मत करें मैंने सब सुन लिया है, आप एक काम करिए खाना पीना रेडी है ना, बोले हाँ, अब मेरा एक बेटा चला, मेरे पांच बेटे हैं, एक चला जाएगा। नहीं 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 अतिथि देवो भव, कैसे हो सकता है, हम अतिथि को कैसे जाने दे सकते, ना 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 ना, ये तो स्वयं इसमें हम चारों बोले हम चारों चले जाएंगे, लेकिन अतिथि का कुछ नहीं, ये ऐसा था हमारे यहाँ तो अतिथि आते ही पत्नी बोलती आ गए इनके खाने वाले, खिलाइए आजकल है, क्योंकि आजकल लोग छोटे फ्लैट में रहते हैं 1 BHK में, खुद का बैठने का जगह नहीं होता, दूसरे को कहां से बिठाएंगे, तीसरा कोई रिश्तेदार आ गया तो मनमानी करेगा, उसका जगह नहीं होता है, मतलब भगा देते हैं। पहले होता था जमीन जायदाद बहुत ज्यादा होता था, लोग टेंशन में रहते थे, देखो जैसा अभी अक्षय टेंशन में सोच रहा है इतना बड़ा जमीन कैसे हो गया, वो महाभारत में घुस गया है ना, पहुंच गया था वहां पे, उस घर में चला गया था, ऐसा होता है, या तो कुछ और सोच रहा होगा चारा कटा के। तो कुंती महारानी ने बोला कि मेरा एक बेटा चला जाएगा, तो बोले नहीं नहीं नहीं, तो उन्होंने बोला सुनो आप मेरे बेटे के पराक्रम को नहीं जानते, ये पांचों ऐसे कि पूरे ब्रह्मांड में लोग राज कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं। तो बोले भीम, भीम बोला यस मम्मी, बोले टुमारो यू हैव फीस्ट, बोले ओ अरे वो, भीम को गाड़ी दिया, भीम एक ऐसा वो लिया, और ऐसा वर्णन आता है कि जो पूरा ट्रॉली था ना वो ऐसा चल के ले जा रहा था, बैल लेके जाता ना वो लेके जा रहा था, और वो ट्रॉली में से खीर ऐसा इतना बड़ा मड़का था, इतना ऐसा वो ऐसा पी रहा था, उसको तो मिला नहीं इतना, तो खा पी रहा था जब रुको तरह, और जब जा रहे थे तो वो आसुर बोला ए मेरा खा रहा है तू, मतलब ऐसा, तो आया मारने के लिए, तो उन्होंने से एक हाथ उसका गला दबा दिया, ऐसा ऐसा खा लू बोलता अरे मुझे तो छोड़, दोनों खत्म करना है तुझे भी और इसे भी। अच्छे से खाने वाले का जो होता है ना वो एक वो होता है ऐसा ऐसा, मतलब यू नो चाट पोच के खाते हैं। देखो आपको बताओ तो किसका शरीर हेल्दी होता है, प्लेट को ना जो लास्ट में भी ऐसा चाट लेता है ना, देखना कभी बीमार नहीं गिरता, अन्न का अपमान नहीं करेगा वो, बीमार नहीं करेगा, बीमार कौन गिरते वालों में, मैं ये नहीं खाता, मैं नहीं खाता, रोते धोते रहते ना हर आइटम में, वो उसका आइटम भी खाएगा तो बीमार होगा, आप समझ रहे हो ना, उसका पसंदीदा आइटम भी खाएगा तो भी बीमार गिरेगा। हमारे घर में होता था जब हम लोग छोटे थे, ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऐसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये याद है हमारे घर पे मेरी मम्मी मोटी थी, पिताजी मोटे थे, बहन मोटी थी, मैं ही मोटा नहीं था, तो लोग बाहर वाले बोलते थे कि इसको नहीं खिलाते। तो तभी मेरे को आदत था, भिंडी का देखता था ऐसा करता था, वो कोहड़ा देखता था, दूध ही तो हाथ ही नहीं लगाता था, मेरे को सिर्फ आलू का भुजिया पसंद। बाद में तब मैं दुबला था, जब हरे कृष्ण मोमेंट में आ गया तो फिर सब प्रसाद मिलने लगा, और प्रसाद को आप अपमान नहीं कर सकते, जो है सो लेना चाहिए, तो इतना आदत हो गया आप सब कुछ खा लेते हो तो धीरे धीरे साइज फूट रहा है। तो ऐसा है, तो वृकोदर क्यों है, क्योंकि बहुत ज्यादा खाते, और भी बहुत सारी स्टोरी थे लेकिन अपना टाइम कम है। और हरक्यूलियन टास्क परफॉर्म करते थे, उनके शंख का नाम क्या था, पाउंडर, पाउंडर। तो यहां भगवान को ऋषिकेश कहा गया है, क्यों ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वो सभी इंद्रियों के मालिक हैं, ऋषिक ईश, ऋषिक यानी इंद्रिय और ईश यानी इंद्रियों के
स्वामी। अब ये ऋषिकेश याद रखिए क्यों लिखा गया यहां पे, संजय ने ऋषिकेश क्यों कहा, क्योंकि वो भगवान जो है वो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, असुरों के भी इंद्रियों के स्वामी और आपके भी, लेकिन वो उन्हीं के इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं जो उनको शरणागत हैं, अन्यथा वो कंट्रोल नहीं करते। कई लोग और बोलते हैं कि इतना सब है तो भगवान क्यों नहीं आते, बरे तुम भगवान के पास गए थे क्या, तुम भगवान का शरणागति लिए नहीं तो वो तुम्हें क्यों मदद करेगा। लोग भगवान को कब याद करते, जब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, दुख आ जाए तब याद करते हैं, नहीं तो भगवान को गाड़ी के स्टेपनी की तरह रखते पीछे, जब टायर पंक्चर होता तो ये स्टेपनी निकालो रे। वैसे घर में समस्या आ गया तो अगरबत्ती लगे लगे कर्पूर अरुण करुणा अरुण प्रभु बचाइए है ना। चालू हो जाते। एक बार एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर था, वो 10 माले का बिल्डिंग बना रहा था, तो चेक करने के लिए 10वें माले पे गए, उसके वर्कर लोग नीचे खड़े थे तो कुछ लिफ्ट अटक गया, हो जो बना बना था नया वाला अटक गया, तो ये ऊपर से आवाज आ रहा है भैया थोड़ा कुछ करो उसको, मुझे आना है नीचे। वर्कर लोग नहीं देख रहे थे तो ये सोचा ऐसे नहीं सुन रहे हैं, तो इसने 5 रुपया का नोट नीचे फेंक दिया, तो जो 5 के 10-12 नोट गिरे तो ये लोग उठा के रख लिया, ऊपर नहीं देखा, तो फिर उसने 100 का नोट डालना चालू किया, तो भी ये लोग उठा रहे थे 100 नोट लेकिन ऊपर नहीं देख रहे थे, फिर उसने 2000 का मोदी जी का नया नोट डालना चालू किया, वो उन्होंने उठाया लेकिन ऊपर नहीं देखा, फिर उसने क्या किया, ईंटा लिया एक के सर पे डाला, फट ए कौन रे, तो बोलते ऊपर का लिफ्ट चालू कर, जब दे रहा था तो तुम ऊपर नहीं देख रहे थे, जब छीन लिया तो याद आ गया। यही हमारा हालत है भगवान के प्रति, हमारा यही सिचुएशन है। तो ये कह रहे हैं भगवान जो है वो शुद्ध भक्तों के इंद्रियों को नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त क्या करते हैं, पूर्णतया भगवान के ऊपर शरणागत हो जाते हैं। जो कल मैंने बताया ना भक्ति योग वाला पार्ट बीच वाला, वो क्या है, वहां भक्त क्या करता है, शरणागत हो जाता है। त्वदीयमस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पितः, हे प्रभु ये आपका है तो मैं जानता हूं, ये इंद्रिय भी आपका है। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य के पास गए थे देखने के लिए, मिलने के लिए, तो वो तो बहुत अमीर था घर, मतलब बीवी बच्चे काफी डिसिप्लिन थे, तो बच्चे ने तो गुरुजी बोले अरे तुम्हारा तो बहुत अच्छा सब कुछ महल वहल है, तो बोलते ना ये मेरा नहीं ठाकुर जी का है, ठाकुर जी नहीं भगवान कृष्ण का है, तो बोलते अरे तुम्हारे बीवी बच्चे काफी सुशील और डिसिप्लिन है, बोलते ना ये भी ठाकुर जी के हैं, तो बोले अरे तुम्हारा तो बहुत सारा गाड़ी बंगला नौकर चाकर ये भी बहुत आपके अच्छे हैं, तो बोलते हैं नहीं ये भी ठाकुर जी के हैं, अरे बोला सब ठाकुर जी का है तो तेरा क्या है, तो बोला ठाकुर मेरा है। ये भगवान मेरे हैं, मेरे हैं, तो ऐसा है। तो और उसके बाद और एक शब्द यहां आता है, जैसे इधर ये कहा गया कि भगवान को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे और एक प्रभु जी यहां प्रभुपद यहां परपट कह रहे हैं कि मायावादी क्या करते हैं, या मायावादी या इम्पर्सनलिस्ट या ब्रह्मवादी, वो कहते हैं कि जैसे इंद्रिय नहीं है, वो उनका मानना होता है कि ये इंद्रिय जो है वो जीव जो है बिना इंद्रियों का है, लेकिन एक्चुअल ट्रांसेंडेंटल सेंसेस होते हैं, ये उनको पता नहीं होता है। अच्छा, भगवान के अलग अलग नाम का अर्थ प्रभुपाद ने तात्पर्य बताया क्यों अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे मधुसूदन यानी जिन्होंने मधु को मारा, जिसने ज्ञान चुराया था, गोविंद जो गोविंद यानी गो यानी इंद्रिय और गाय, गाय और इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले, वासुदेव जो वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी नंदन जो देवकी के पुत्र हैं, यशोदा नंदन जो यशोदा के पुत्र हैं, यशोदा को आनंद देने वाले, उनको बाल लीला का आस्वादन करवाने वाले, पार्थ सारथी जो पार्थ यानी भगवान अर्जुन के सारथी बने, और अर्जुन को यहाँ पे धनंजय कहा गया है क्योंकि जब यज्ञ हुआ था तो यज्ञ राजस्व यज्ञ वगैरह हुआ था तो अर्जुन ही जाके सारा धन लेके आया था, तो फंड कलेक्टर जो था वो अर्जुन था। ऐसे नहीं कि आप स्टार प्रीचर हो तो स्टार कलेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है, आपको दोनों बनना चाहिए। हाँ, और भीम जो है यहाँ पे भीम का वर्णन आता है कि उसने वो भी पावरफुल था तो इसलिए उसको हरकुलियन टास्क बोलते हैं, उसने बहुत बड़ा काम किया, मतलब तो भीम कर्म वृकोधर है ना, भीम कर्म यानी पावरफुल वर्क भी किया उसने, भीम कर्म वृकोधरहा यानी भीम कर्म यानी अति मानवीय कर्म करने वाले, ठीक है, अति मानवीय कर्म करने वाले, हरकुलियन टास्क जिसको बोलते हैं। तो भीम ने हिडिंबा को मारा था, याद है ना, हिडिंब, और ये जो है ये पांडवों के विजय के चिन्ह है बहुत सारे, अब ये मैंने लिखे नहीं है, ठीक है।
अब 16 से लेकर 18 श्लोक एक साथ गाएंगे और उनका वर्णन हम सुनेंगे। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलासा देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदीयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दद्मु पृथक् पृथक्। तो कली हमने सभी वीर योद्धाओं का नाम सुना, उन्होंने शंख बजाया। युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय और यहाँ युधिष्ठिर को कुंती पुत्र कहा गया। देखिए पहले क्या होता था कि बेटे को माँ का गर्व माना जाता था, वो माँ बहुत प्राउड होती थी। जिसको बेटा होता था ना वो एकदम स्टाइल में घूमती बाजार में, बेटा है। कोई भी लड़की उसका अगर भाई है ना तो बिंदास घूमेगी, उसको मालूम है पीछे मेरा भाई है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि समाज में उनका एक शेल्टर होना चाहिए। तो बच्ची है तो पिता होने चाहिए, बड़ी है तो पति होना चाहिए, बॉयफ्रेंड कोई काम का नहीं है वो भाग जाएगा। जो वो है पति होता है, पति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। पति के बाद होना चाहिए बेटा, और बेटा अगर बड़ा हो जाए बाद में समाज होता है। तो ये एक स्त्री को हमेशा शरणागत रहना चाहिए तभी वो सुखी रह पाएगी। इंडिपेंडेंट रहेगी तो बाल एकदम खुजला जाएंगे और एकदम फ्रस्ट्रेटेड चेहरा रहेगा क्योंकि सारा टेंशन आपने लिया है। और ऐसा कहते हैं जो पुरुष की तरह करने लगता है फिर उसको फाइब्रॉइड भी हो सकता है। फाइब्रॉइड एक डिजीज है, जब स्त्री पुरुष की तरह बिहेव करके टेंशन लेने लगती है तो पेट में गोला आता है। ऐसे हम लोग आते हैं ना कभी टेंशन पेट में गोला, रही कैसे होगा, तो गोला आ जाने से प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्त्री को स्त्री जैसा रहना चाहिए, मेकअप करिए, स्माइल दीजिए, पैसा लीजिए, अपना काम करिए घर पे, कोई टेंशन नहीं, खाइए पिए आराम से। टेंशन आदमी को लेने दो, आदमी देखो गंजा रहता है क्यों, टेंशन लेता है। और स्त्रियों को बड़े बाल होते हैं क्यों, क्योंकि टेंशन लेते हैं। सत्य है ना, ऑनलाइन वाले आप डिसाइड करिए। फिर वो कह रहे नकुल ने, इधर राजा युधिष्ठिर कहा गया है, याद रखिए राजा युधिष्ठिर, क्योंकि उन्होंने यज्ञ कर लिया था। दुर्योधन राजा नहीं था ना, दुर्योधन का पिता राजा थे। वो एक बार सत्ता में बैठ गए तो बैठ गए, बाजीगर जैसा सीन हो गया। वो एक बार सीट पे बैठ गया तो बैठ गया, उतर नहीं रहा था। तो इन्होंने कहा कि नकुल सुघोष, नकुल ने कौन सा बजाया, सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक, और फिर बाकी लोगों ने बजाए। काशी का राजा भी इधर थे, शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी, द्रौपदी के पुत्र सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने शंख बजाया। तो देखो इधर के शंख में सिर्फ भीष्म का नाम आया और इधर के शंखों में देखो कितने लोगों का नाम आया, इससे क्या इंडिकेट कर रहे हैं वो। हाँ एक बार एक राजा है ना, राजा उसका एक तोता था, वो बहुत प्रिय तोता था। तो उसने बोला जो भी इसको संभालेगा उसको सोना की मुद्रा से मैं भर दूंगा, लेकिन मेरा तोता कभी दुखी नहीं होना चाहिए, इतना प्यार करो। तो एक दिन एक था आदमी, वो करता था सब सेवा। हाँ वो तोता एक दिन मर गया अंदर में पिंजरे में, बोला आज तो बेटा मैं गया। तो वो जब गए महल में तो राजा पूछा हाँ आज क्या है तोता का खबर। तो बोले महाराज आज वो कुछ ज्यादा ही आराम के मूड में है। वो ये नहीं बोला मर गया, बोलेगा तो नहीं समझ रहे हो आगे का बात ही नहीं होगा। बोला अच्छा ज्यादा आराम कर रहा है तो कुछ खाना ना खाए कि नहीं, हम तो दे दिए पर लगता है आज वो उपास रख रहा है। वो ये नहीं बोला मर गया। बोला तो फिर कुछ आज बोल रहा है कि नहीं, बोले नहीं आज मुझे लगता है मौन भी रखा है। वो ये नहीं बोल रहा है मर गया, जो स्मार्ट होगा वो समझ जाएगा शायद मर भी गए क्या, है ना ऐसा। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र का दिल बना रहे हैं कि देखो अब जो हाल होने वाला है, आगे जो होने वाला है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो पहले बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको तो पता है यही लोगों ने तो मारा था इन लोगों को, तो आगे आएगा वो, ठीक है। 19वां श्लोक लीजिए आप सब डिवोटीज जो है ऑनलाइन में भी और इधर भी, जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ एक दिन पहले ही पढ़ के आएंगे ना तो आपको भी पढ़ने में रुचि आएगा, अच्छा लगता है ना। फिर आप अपने पॉइंट्स भी बना सकते हैं, क्वेश्चंस भी तो पूछ सकते हैं। 19 सघोषोधात राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्चा पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। याद रखो यहां क्या हुआ, हाँ धृतराष्ट्र के पुत्रों का
हृदय व्यदारयत, अपरोरिंग, ओ दोनों पृथ्वीम च नभश्चैव, इसका नाद कहां तक गया? आकाश और नीचे धरती तक, और धृतराष्ट्र के लोगों का हृदय थरथरा गया। देखो क्या होता है, ये एक सिंपल साइंस है। जैसे आप कोई गलती करते हो ना, और आपको कोई बोलता है अरे उसको बुलाओ, तो आते आते धक 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 धक, क्यों मालूम आपने गलती की है? आपने गलती नहीं की है, तब बोलेगा हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, क्या हुआ? आप डरते नहीं। लेकिन मराठी में बोलते चोराच्या मनात चांदण्या, कि चोर के मन में चांदनी होता है, मतलब चमकते रहता है, टेंशन में रहता है हमेशा। वो हो गया, ठीक है। 20वां श्लोक लीजिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा कपिध्वजा, अर्जुन के ध्वजा पे क्या था? बोलो पवन पुत्र हनुमान के बजरंग बले के। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब क्योंकि अभी वो बैठे थे, अब उड़ गए थे मारने के लिए, तो अब जो उधर उन्होंने देखा इतने लोगों को, तो थोड़ा उनको कुछ सवाल आया, तो अभी वो उड़ गए। तो यहाँ पे ये वर्सेस में इसमें एक स्टोरी आता है। वो स्टोरी ये है कि भगवान हनुमान जी कपिध्वज जो है, हनुमान जी वो ध्वज पे आए कैसे, किसको मालूम है वो जो कैसे आए? वो भगवान बुलाए। हाँ भगवान बुलाए थे, ठीक है। कब कब बुलाए? पुल वाला स्टोरी है। वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ है ये स्टोरी? महाभारत में। तो अर्जुन जो है, अर्जुन एक बार गए थे रामेश्वर। कहाँ गए थे? रामेश्वर में ज्योतिर्लिंग है ना, रामेश्वर गए थे। तो उन्होंने बोला कि अरे ये बानरों को क्यों लाया था पुल बनाने के लिए, ये तो हम लोग इससे भी बना सकते हैं एरोज से। तो ये जो बंदर है बंदर कौन थे वहां? हनुमान जी। वो क्या बोले? तो बोले बना के दिखाओ। तो बना के दिखाए तो क्या हो गया? टूट गया। तो अब ये दोनों भक्त हैं, हनुमान भी भक्त अर्जुन भक्त। तो भगवान एक ब्राह्मण के रूप में है, बोले अरे ये कोई तर्क थोड़ी हुआ है ना और उसको बोले अरे आप तुम बनाओ और एक बार बनाओ, तो बनाए तो वो नहीं टूटा। तो बंदर को समझ में आ गया तो प्रभु राम है, क्योंकि इनके आशीर्वाद के सिवा वो बनने से। अर्जुन को समझा यही भगवान कृष्ण है, अगर ये कार्य करना भी तो इनका आशीर्वाद चाहिए भगवान का। तो उन्होंने बोला हनुमान जी मेरा आदेश है आप हमेशा अर्जुन के साथ रथ पे रहिए, क्योंकि आप जहां रहेंगे वहां विजय निश्चित है, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान राम को सहायता किया था, सहायता क्या बोल सकते हैं, उनके कार्यों में मदद किया और माँ सीता को लाने में उनके आदेशों का पालन किया। सोचो हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी स्टाइल से सेवा देना चाहिए ना, लेकिन जब युद्ध होता है ना तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको हनुमान जी को बोला जाओ उधर जाओ और सीता को खोजो, जो सीता को अभी देखे नहीं थे, मतलब वैसे इस लीला में वो गए। कहाँ खोज रहे हैं? तो जानता था रावण यहाँ वहां बहुत लोगों के साथ रहता है, तो रावण के खेमे में जा रहा है। अब आप सोचो उधर कौन कौन किस अवस्था में होगा। तो कभी कभी ब्रह्मचारी को भी भगवान का सेवा में ऐसा ऐसा कुछ करना पड़ता है जो उसके सेवा लिस्ट से बाहर है। तो ऐसा है, ठीक है। 21 और 22 श्लोक खोलिए। अब जो है हमारा तीसरा चरण चालू होगा पहले अध्याय का। तीसरा चरण क्या था? भक्त वत्सल कृष्ण। तीसरा चरण क्या था? अच्छा सब डिवोटीज आप लोग भी और ऑनलाइन भी, ये जैसे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे, तो अभी जो इतना मैंने सेक्शन बोला है उसमें और भी पॉइंट्स हैं, वो सब भी यहाँ लिखे, जैसे कपिध्वज आ गया और जो जो शब्द यूज किए, जैसे बहुत सारा लिस्ट है, 8 या 9 पॉइंट्स है, विजय के 9 चिन्ह है वो लिख लीजिए, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। अब जो है तीसरा पार्ट आएगा जिसका टाइटल है भक्त वत्सल कृष्ण। नहीं, भगवान बोलते कभी कभी शिवजी को भी भगवान बोलते हैं,
भगवान बोलते हैं, नारद को भी भगवान बोलते हैं, व्यास को भी कभी भगवान बोलते हैं, वो अलग तत्व है। कृष्ण अभी डायरेक्ट पर्सन है ना, भगवान स्वयं जो कृष्ण है वो भक्त वत्सल है यहाँ पे, समझ रहे, तुम्हारा वो लाल बत्ती वाला जैसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20वां श्लोक चालू करते हैं। 21 और 22। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर् मध्ये रथं स्थापय मे च्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच चलें, ले चलें, जिसमें मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिन जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। तो यहां जो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इस सेक्शन को भक्त वत्सल कहा गया, वो है अच्छा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफैलिबल, कभी नहीं गिरने वाले। क्या बोलते हैं? इनफैलिबल, जो अपने इंग्लिश में उसको बोलते हैं हु डज नॉट डिनाई द अफेक्शन ऑफ हिज डिवोटीज, नेवर फेल्स इन अफेक्शन ऑफ हिज डिवोटीज। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि अच्युत वर्ड का मीनिंग क्या बता रहा हूं, नेवर फेल्स अपने भक्तों को प्रेम करने में कभी नहीं चूकते। इसलिए इधर अर्जुन ने भगवान को किस नाम से पुकारा है? अच्युत। अब एक स्टोरी सुनिए, भीष्म ने क्या वचन लिया था? देखिए कौन कौन भक्त है इस युद्ध में, अभी कौन कौन भक्त है? भीष्म भी भक्त है, और कौन भक्त है? अर्जुन भक्त है। अब ये गेम देखिए क्या हो गया, और यहां लिख देता है तो थोड़ा ट्राइंगल बनाने का काम आएगा। ठीक है, और कौन थे यहां? कृष्ण एक अर्जुन के टाइम, ये भी भक्त है, ये भी भक्त है। इन्होंने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब इन्होंने कहा मैं इसको शस्त्र उठवा के रहूंगा। इन्होंने क्या कहा? मैं इसको शस्त्र उठवा के रहूंगा। आप लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं तो आगे जाके आपको हमारे जो टीचर है बताएंगे कि वीर्य रस होता है जिसमें लड़ने का, भगवान के साथ लड़ने का मजा रहता है। तो भीष्म जो कौन से रस में है? वीर्य रस में। अर्जुन कौन से रस में है? साख्य रस, मित्रवत। तो भीष्म जो है बोलते हैं, अरे मैं इसको युद्ध करवा के शस्त्र उठवा के रहूंगा। अर्जुन जो है इनके प्रति रिस्पेक्टफुल है और इनके भक्त हैं। इन दोनों के बीच में अर्जुन का कोई लेवल नहीं है। अब देखो क्या हुआ, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को साइड देने का ठाना है। क्या ट्रायंगल बना है ना। अब युद्ध में क्या हुआ, महाभारत में भीष्म ने बोला इनको मैं युद्ध करवा के रहूंगा। इससे पहले भी एक्चुअली वो अभी दुर्योधन गया था भीष्म के पास, गया के बोला कि प्रभु आप जानबूझ के इनको नहीं मार रहे हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? भीष्म बोले आरोप है मेरे ऊपर। तो बोले नहीं नहीं आप 9 दिन हो गए, इतना दिन हो गया आपने मारा ही नहीं उनको, आप तो किसी को भी मार सकते हैं, हम जानते हैं आपको। तो बोले तो क्या चाहिए तुम्हें? तो मुझे जब वचन दीजिए कि कल आप उनको मारिएगा। तो उन्होंने मंत्र फूके और 5 बाण प्रकट किए और बोले 5 बाणों से मैं उनका कल वध कर दूंगा 5 पांडवों का। भीष्म जानते थे तो होना है ही नहीं संभव, क्योंकि मैं वचन लेने से क्या होता है, पूरा करने वाला। तो बोले ले लो। दुर्योधन बोले काम करता हूँ, किसी को बताइए नहीं, ये मैं मेरे तकिए के नीचे रखता हूँ, कल डायरेक्ट दूंगा आपको। अब वो कितना शाणा था, वो लेके तकिए के नीचे सो गया और ना अपने किसी को बताया भी नहीं। ऐसा होता ना फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल देता, टुडे आई हैव गॉट द 5 एरोज। कुछ नहीं, चुपचाप रखा था कि डेटा ही लीक ना हो। उसके जो बाहर भी आदमी होता है ना उसको भी खबर नहीं था, तो द्वारपाल को भी खबर नहीं था, वो अंदर रखा था। और यहाँ अर्जुन रात का समय था तो सब आर्मी अपने अपने में सोए थे, अर्जुन भी खराटे मार के सो रहे, खराटे नहीं मारा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कृष्ण का नाम ले लिया सो रहा था। और कृष्ण को पता चल गया कि बाण निकल चुके हैं, कृष्ण गए अर्जुन सोया है। अरे अर्जुन उठो, बोले प्रभु क्या हुआ इतने रात को?
अरे बोला प्रॉब्लम हो गया, बोले क्या, तो बोलते तुम्हें कुछ टेंशन नहीं है, बोले उधर उसने 5 बाण क्रिएट कर दिए और तकिए के नीचे रख दिए तुम्हें मारने के लिए, कल 5ों पांडव कल मर जाओगे। हाँ तो अब मैं क्या करूं? तो बोलते हैं जो टेंशन है, टेंशन का है को, आप तो विराट रूप देखे ना, उसमें भीष्म पहले जाता है। मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे सब मालूम है। और आप ही ने बोला ना सब समझना, मेरे को निमित्त होना है ना, तो बाकी आप कर लो। आपने तो बोला निमित्त, मेरा कल करूंगा ना, आप क्यों उठा रहे हो, सोने तो थोड़ा। भगवान बोले तो सुधरेगा नहीं, ये डिवोटी लोग का ये प्रॉब्लम है, एक बार इनको भक्ति दे दिया तो ये लोग बैठ के ना दूसरे को प्रचार नहीं करते, फिर भगवान किसी और को ताकत देते प्रचार का। इसलिए भगवान बोलते हैं मुझे प्रचारक बहुत पसंद है, भजन कर रहे हैं लोग भी पसंद है, सब पसंद है भगवान, जो प्रसाद खा रहे हैं पसंद है, जो भगवान की कीर्तन में नाच रहे हरि बोल हरि बोल कर रहे हैं पसंद है, लेकिन जो प्रचार करते हैं भगवान को अति प्रिय है, उसके लिए भगवान आगे पीछे ऊपर नीचे खड़े हो जाते हैं। तो करम महाराज कहते हैं जो विठल का नाम लेता और प्रचार करता है तो विठल स्वयं आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे उसके लिए संरक्षण के रूप में खड़े होते हैं, सुदर्शन चक्र गदा ये सब उसके ऊपर घूमते हैं उसके संरक्षण के लिए, समझा? तब इसलिए अब तक खुटा में कुछ हुआ नहीं है, आप लोग हो ना इसलिए। तो इसका स्टोरी बता रहा था मैं, सब जगह चला गया तुकाराम में, कहां था? भगवान के पांच बाण, तो भगवान ने 5 बाण लिए और अब वो बोले अच्छा एक काम करो, जो मैं बोल रहा हूँ बोलो, याद करो, एक बार गंधर्वों ने युधिष्ठिर को दुर्योधन को पकड़ा था तो तुम और भीम खुश होकर युधिष्ठिर के पास गए थे, तो युधिष्ठिर ने क्या बोला, नहीं दुर्योधन को छुड़ाओ, तो आप लोगों ने बोला था कि नहीं जाने दो उसको, अच्छा हुआ सबक सीखेगा, बोले नहीं, युधिष्ठिर ने तब ये बोला था कि हम अंदर में 105 हैं, सॉरी अंदर में 105 हैं और बाहर वालों के लिए हम लोग 105 हैं, हमारा मतभेद अंदर होगा, बाहर में हम सब एक हैं, बाहर कभी अपना भेद नहीं करने का। कोई भी स्त्री अगर अपने पति का भेद बताती है तो उसका रिलेशन टूट जाएगा, कोई भी बच्चा अपने माता पिता का भेद बताता है तो उसका घर टूट जाएगा, कोई भी राज्य शासन में अंदर वाला आदमी अगर भेद तोड़ देता है, जैसे प्रधानमंत्री मीटिंग ले रहे हैं और कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर उसको लाइव रिले कर दे तो इसका मतलब धोखेबाज है, ठीक है? तो ये रूल्स होते हैं, तो ये स्टेट के लॉज होते हैं, रिलेशनशिप के लॉज होते हैं, वैसे भक्तों में भी, भक्तों के बीच में कितना भी विषय हो अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। प्रभु ही इज नॉट ए डिवोटी, ही इज नॉट ए डिवोटी, तू शांत बैठ रही भाई। डिवोटी कौन है ये जानता है, नहीं ये जानता, तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं डिवोटी होगी ना मैं कुछ पता नहीं। तो उन्होंने बोला जाओ 5 बाण तुमको, तभी क्या किया था, तो युधिष्ठिर ने बोला जाओ अर्जुन छुड़ा के लाओ, तो अर्जुन ने गंधर्वों से बात करके छुड़वा दिया था, तो दुर्योधन ने वचन दिया था कि कभी भी जीवन में कुछ मांगना मैं दे दूंगा, तुमने मेरा जान बचाया है ना मांग लो, तो अर्जुन कुछ मांगता नहीं, तो कृष्ण बोलते याद है तुम्हें, बोले हाँ, बोले जाओ उसे 5 बाण मांग के लो। तो जाते हैं अर्जुन, जाते हैं देखते रहे रात को अर्जुन हमारी इधर आ रहा है, तो तभी तो युद्ध होता नहीं था भाई साहब, आगे तो ले रहे कोंटे में मारो इसको, ऐसा नहीं होता। आगे उसको बुलाओ, हाँ बैठे एकदम बैठे, बोलो दुर्योधन बोला हाँ बोलो, तुम्हें अगर, अर्जुन को बोला तुम्हें अगर पूरा राज्य चाहिए तो मैं पूरा तुम्हें भीख में देने को तैयार हूं, हस्तिनापुर चाहिए तो मैं भीख में देने को तैयार हूं, अब समझे, मतलब लेके भी मतलब नहीं देना चाहता था इसलिए ऐसा बोला, क्योंकि ले लेगा तो भीख हो गया ना, तो भिखारी हो गया तो राजा कहां हुआ, तो इनडायरेक्टली नहीं देना चाहता था, बोले कहीं मांग ना ले। वो बोले तुम्हें याद है ना तुमने एक बार बोला था, हाँ बोला था चाहे तो भीख में दे दूंगा, ऐसा बोला, तो बोला नहीं 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 तुम्हारा हस्तिनापुर तो नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे तकिए के नीचे 5 बाण रखे ना मुझे। तो उधर भीष्म थे और स्माइल किए, जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन, तू उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये सबसे स्मार्ट बॉय ये इस साइड है, उस साइड शकुनी था वो टेढ़ा था, ये टेढ़ों से भी टेढ़ा था, 10वें अध्याय में लिखा है ना, क्या छलम छल रहता आम अस्मी, हाँ छलियों में भी मैं छलिया हूँ, आप टेढ़ा हो जाओगे तो भगवान भी टेढ़ा हो जाओ, आप सीधा जाओगे तो भगवान भी एकदम सीधे प्रभु, आप कपटी बनोगे तो भगवान भी कपटी, आप नास्तिक बनोगे तो भगवान मृत्यु का दर्शन देंगे, और आप भक्त बनोगे तो भगवान बांसुरी बजाते हुए आपके पास आएंगे, आप किस रूप में दर्शन लेना चाहते हो सब जगह प्रभु ही है, समझे, कोरोना के रूप में लेना मरो, भगवान नहीं है बोल रहे थे, जब ऑक्सीजन का कमी हुआ तो समझ में आए भगवान है, तो अंत में समझ में, पहले ही पता है ऑक्सीजन है तो पेड़ लगाते, जमीन में रहते अच्छे से रहते, शहर बना के हेलीकॉप्टर में घूम के घमंड कर रहे हो, हम किसको बचा पाओगे भैया, डेंजर है। तो अब क्या हुआ,
हम इस स्टोरी में आते हैं। अब अर्जुन जो है ये फंस गए इन दोनों के बीच में। भीष्म ने बोला मैं करूंगा, तो दसवें दिन भीष्म ने क्या किया, इतने जोर जोर से बाण मार रहे फास्ट भीष्म ने अर्जुन के ऊपर, क्योंकि भगवान का अपमान कर दोगे वो सह लेंगे, लेकिन भक्त का अपमान करो भगवान नहीं सहेंगे। और भीष्म का अंदर से इच्छा था कि इसको मैं शत्रु उठाने लगाऊंगा। तो भगवान अपने भक्तों के लिए अपना शब्द तोड़ सकते हैं, अपनी बेइज्जती करवा सकते हैं, अपने आप को कम गिरा सकते हैं, केवल अपने भक्त को ऊपर रखने के लिए। और भक्त भगवान को ऊपर रखने के लिए अपनी बेइज्जती 100 बार करा सकता है। इसको बोलते हैं भक्तवत्सलता, इसको बोलते हैं भक्ति, इसको बोलते हैं भक्तवत्सलता। भक्त भगवान की सेवा करने में रुचि रखता है और भगवान बोलते हैं मैं भी इसकी सेवा करूंगा, वो उसमें कर। तो भगवान हमारी क्या सेवा कर सकते हैं? हम जो भी कर रहे हैं उसमें भगवान आनंद भर देते हैं। जैसे बांसुरी वादक होता है ना, वो पहले बजाते पूपू आवाज आता है तो थोड़ा सा ताल बैठता है, फिर थोड़ा और जोर से आवाज आता है, फिर आनंद आता है और आनंद और अच्छे से और आनंद है ना। जैसे मृदंग प्लेयर होता है ना, पहले ठप टक टर टर टक टिक टर आ चालू रहता है, पेटी वाला होता है ना, आपको आंसू आने लगते हैं खुश। वैसे भक्ति में आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भक्ति में आनंद केवल बढ़ते जाता है। अगर आपका नहीं बढ़ रहा है तो आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, चेक कर लीजिए। भक्ति में आनंद केवल बढ़ते जाना चाहिए। अब भीष्म ने इतने बाण मारे, साए 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 साए, ऐसा लग रहा था क्या रोके और क्या नहीं। अरे अर्जुन भी कितना रोकेगा। अर्जुन ने समझ आ गया कि मैं लास्ट में कुछ हूं नहीं। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, रथ से उतर गए और नीचे एक पहिया गिरा होता किसी रथ का टूटा हुआ, निकाला और सीधा भागते हुए गए, बोले भैंस। अर्जुन बोले प्रभु ये आपका वचन तोड़वा रहे, तो अर्जुन भी भागे और पाव पकड़ लिया, प्रभु छोड़ दीजिए। आप समझ रहे सीन को। और फिर जब भीष्म ने तो वचन तोड़वा दिया ना, मेन काम तो वचन तोड़वाना था, भीष्म ने गांडीव और वो छोड़ के उनका वो छोड़ दिया धनुष और बाण, और ऐसे खड़े हो गए आलिंगन, मारो मारो, वो जो रथ उठाया था। भगवान तो देख रहे थे, इसने मुझे रथ उठाने वो उठाने में मजबूर कर दिया, इतना मेरे भक्त के ऊपर अटैक किया कि मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन अंदर का भाव क्या था कि इन्होंने वचन दिया था कि मैं तेरा वो नहीं तोड़ूंगा। तो इस भीष्म के वचन को रखने के लिए अच्युत उन्होंने ये किया। अर्जुन ये चीज जानता था, इसलिए इस पहले श्लोक में ही अपना वचन का पहले श्लोक में बोलता है, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मे च्युत, हे अच्युत आप रथ को तो बीच में लेके चलो, मैं जानता हूं आप मुझे गिरने नहीं दोगे, इन द सेंस मेरे वचन को नहीं गिरने दोगे, तो आप प्लीज अभी लेके चलो, आगे का पूरा गाड़ी आप ही संभालना। बात समझ रहे हो? यह भगवान की भक्तवत्सलता आती है। भगवान बहुत दयालु है, ठीक है। 23वां श्लोक खोलिए, यो उच्यमानान वेक्षे हम यो एतेत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहां पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, दुर्योधन का नाम नहीं लिया उसको, क्या बोला है, दुर्बुद्धि पुत्र। एक्चुअली युद्ध में अलाउड है, क्षत्रिय है ना, गाली दे सकते युद्ध में। हाँ, प्रीचर लोग डांट दे सकते हैं तो युद्ध में दे सकते हैं, क्योंकि खून नहीं खोलेगा तो लड़ाई कैसे होगा, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा आप और मैं लड़ेंगे तो आपकी कितना वॉरियर्स हैं, ठीक है आप लेफ्ट से लड़ेंगे हम लोग राइट से, ओके हरी बोल, ऐसे नहीं होता। उधर होता है हे दम में तो लड़, अरे आग क्या दिक्कत है, मुंह क्या खोलता है, मार, वैसा वैसा रहते हो, वो ऐसा मीठा मीठा देता है, हरी बोल प्रभु जी, सो हु आर गोइंग टू फाइट टुडे, वी हैव ट्राइड द शेड्यूल। ऐसा नहीं होता, युद्ध का एक अलग माहौल होता है, गाली गलौज तो ऐसे दो दो मिनट में निकलते हैं, उसका इतना सीरियसली नहीं लेना होता है, नहीं वो गाली देता फाउल प्लेइंग गोल होता है, ऐसा नहीं होता। वाटो काटो की होता है। हाँ, जैसे कभी आप, मैं, मेरे को याद है, वैसे तो एक्सटर्नली मैं डिवोटी हूं, पर मैं एक बार ट्रेन में गया, मेरे दो बॉक्स बुक्स थे, मेरा अपना वाराणसी का मुगलसराय दीनदयाल स्टेशन था, तो मैं गया
तो एक कोई बैठा था, किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, होल वाला जाली वाला बनियान रहते ना, वो लेकर बैठा था गर्मी के सीजन में, मेरे सीट पे बैठा था। तो मैंने बोला भैया वो मेरा सीट है, आप थोड़ा चाहे तो इधर उधर हो जाइए, कोई वेटिंग में यहाँ नहीं बैठना है, अब हम नहीं देंगे। हम बोले वैसा कोई दिक्कत नहीं, हमारा कन्फर्म सीट है, हमको वहां तक जाना है, सूरत तक जाना है, मेरे को एक लेक्चर देना था NIT सूरत में। तो मैंने बोला मेरे बुक्स भी हैं, तो आप बस बैठने दीजिए, बाकी आप बैठिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हम नहीं देंगे, आप निकलिए यहाँ से, मुझे बोला। तब मैंने उसको ऐसे महाप्रसाद वर्ड्स दिए और ऐसा धोया, उसके तो पूरे बोगी भी नहीं दिखा। तो कभी कभी आपको अपना हक लेने के लिए सब करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको तो गांधी जी जैसा नहीं, और एक मारिए लीजिए चटा, और एक मारिए चटा, ये फिलॉसफी हमारा नहीं है। ये ब्रिटिशर लोगों ने हम लोगों को छक्का बनाने के लिए, हिजड़ा बनाने के लिए भारत समुदाय को, इन्होंने गांधी को प्रमोट किया। गांधी भी वैसा नहीं था, उसको भी कोई थप्पड़ मारता तो गुस्सा करेगा ही ना, लेकिन उसके नाम से प्रमोट कर दिया, उसको नोट पे डाल दिया ऐसे इंपॉर्टेंट आदमी है, अरे उसको बाल ढंग से नहीं आता है। वो तो दुर्भाग्य कि मेरा भी उसी दिन जन्म हुआ, लेकिन और मालूम है इस साल है ना, वो दोनों डेट एक साथ आ रहे, तिथि और वो डेट। तो पॉइंट क्या है, दुर्भाग्य है वो। तो हमारे पूरे भारत देश को एक आदमी का चेहरा दिखा के उल्लू बना दिया। गीता हाथ में देखे क्या बोला, अहिंसा। ये गीता के 18वें अध्याय के बाद युद्ध कर रहा है अर्जुन, कृष्ण 100 बार बोल चुके हैं युद्ध, विगला जोरा उत्तिष्ठ, विगला जोरा उठ लड़, पहले अध्याय में लड़, दूसरे में भी बोल रहे लड़, तीसरे में कर्म योग अब लड़, चौथे में ज्ञान योग अब लड़, ये भी लड़, ध्यान योग अब भी लड़, अरे ध्यानों में भी लड़ बोलिए, जा लड़। अर्जुन बोलता है अरे यार ये कृष्ण छोड़ ही नहीं रहा है। फिर और एक सवाल पूछा 8वें में, ये ले आंसर और लड़, 9th में ये लड़, 10वें में विभूति हूं और लड़, हर में लड़ 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 बोल रहे, क्योंकि क्षत्रिय है तो लड़, नहीं क्षत्रिय है तो लड़, मेरे आदेश पे लड़, मेरे बोलने पे लड़, पर लड़। और यहां हमको पूरा उल्लू बना दिया गांधी जी किताब लेके, अहिंसा। और हमारे भारतीय लोगों ने चूड़िया पहन ली, हम नहीं लड़ेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे। अरे मेरे को आश्चर्य की बात ये लगी, जनरली मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, सबको जानता हूं, अभी मराठा मोर्चा में एक स्त्री के साथ कुछ अन्याय हो गया, तो 1,00,000 मराठा, 10,00,000 मराठा है ना, 1 मराठा 1,00,000 मराठा करके रैली निकाला 1,00,000 मराठा का। अरे 1 मराठा पूरे ब्रह्मांड को चला सकता है, इतना पावरफुल होता है। अब तुम 1,00,000 मराठा सिर्फ शांति मोर्चा कहां से करने लगे। मराठा मतलब शांति हो ही नहीं सकता, उसका काम ही है न्याय देना। राजपूत मतलब उसका न्याय देने का काम है, कोई सिख है उसको बनाया गया था, गुरु गोविंद सिंह को अप्रोच किया ब्राह्मणों ने, हमको बचाइए, सिख खालसा बनाया बचाने के लिए। अब सबको दे दिया है नोट, खाओ पियो एंजॉय, सब लोग दारू पी रहे, उनको लग रहा है यही क्षत्रिय है, असली क्षत्रिय खड़ा ही नहीं हुआ, इसलिए हम लोग पांडव सेना बनाएंगे तो खड़े करेंगे। हरि बोल, ठीक है। तो यहां पे भगवान को कौन सा था हमारे वर्ष, हाँ दुर्बुद्धे दुर, अर्जुन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए जो जो आए उनको मुझे देखने दो, मुझे लगता है ये हो गया। हाँ तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे दिखाइए कौन को लड़ने आया है, मैं इनको निरीक्षण करना चाहता हूं, ठीक है। 1:24 अब संजय उवाच, संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो घोड़ाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर् मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भगवान ने क्या किया, चुपचाप उसका रथ लाके खड़ा कर दिया। अब याद रखिए गीता का जो अभी तक मैंने बोला ना, जैसे लड्डू के ऊपर नमक लगा है, इधर तक का जितना डेटा है वो क्या है, नमक की तरह। एक्चुअली अभी गीता का स्टार्ट नहीं हुआ, अब जो है गीता का स्टार्ट अभी भी नहीं होगा, अभी नमक और मोतीचूर टच होने वाले हैं, और 28वें श्लोक से गीता का जो एक्चुअल सेशन चालू हो जाएगा। अभी हम 24वें पे हैं तो इसलिए नजदीक हैं, अभी वो गर्मी हीट आ रहा है, समझ रहे हैं। जैसे हम लोग चूल्हा जलाते हैं ना तो कभी भी लकड़ी गीला होता है, थोड़ा टाइम लगता है, पहले धुआं आता है फिर बाद में आग आता है, वो काम का होता है। लेकिन अभी लेकिन लकड़ी जरूरी है ना, धुआं वाला भी उस फेज है। अब देखिए उन्होंने कहा, हाँ अब यहाँ पे एक वो आता है, यहाँ पे शब्द है गुड़ाकेश, क्या नाम है, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश इसलिए कहा गया है, पूछ देता हूँ मैं,
गुड यानी मीठा, गुड यानी मीठा, अ यानी विष्णु, अ यानी क यानी ब्रह्मा और ईश यानी शिव। तो गुड जो इन तीनों को गुड की तरह मिठास, भगवान के भक्ति का मिठास दे दे, वो गुड़ाकेश। अर्जुन को क्या कहा गया है? गुड़ाकेश। महाविष्णु को भी उन्होंने जो ब्राह्मण के बच्चे चुराए थे वो इसलिए चुराए थे कि ताकि भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके मेरे पास आए और मैं भगवान का दर्शन कर पाऊं। और उसका प्रमाण आता है, आपको लिख के लेना है तो लिख लीजिए, भागवतम 10वें अध्याय का 39:58। इसमें वो प्रमाण आता है जब महाविष्णु कहते हैं कि मैं आपका दर्शन करने के लिए सब किया हूं। वो बहुत स्टोरी है, बिम्बल्स टाइम नहीं है, तो वो जब भागवतम पढ़ेंगे तो आपको स्टोरीज बताई जाएंगे। तो जो इनको ये आनंद दिलाए वो, और एक अर्थ क्या है, गुड़क यानी स्लीप यानी नींद, ईश यानी कंट्रोलर, जिसका नींद कंट्रोल में है। और नींद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेस्ट वाला जो बॉडी को रेस्ट देता है, और एक है इग्नोरेंस यानी इस संसार के अंधकार में सोया हुआ। तो अर्जुन दोनों में गुड़ाकेश थे, ये जो इस संसार का अंधकार है उससे भी वो परे थे और जो रात का नींद है उससे भी वो परे थे, इसलिए यहां पे अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। और यहां पे कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्यों? वो कह रहे हैं क्योंकि आप जानते हो मैं आपको यहां क्यों लाया हूं, समझ रहे हैं ना, इसलिए। अब लिख लो इसको, ठीक है, पूछ दूं? पूछूंगा मैं, ये आगे का श्लोक लेते हैं, 25वां लीजिए। समझ में आ रहा है अभी तक? कोई दिक्कत नहीं? ऑनलाइन में कोई कमेंट? कुछ समझ नहीं रहा ऐसा? नहीं, एक सवाल है। हाँ, बट भीष्म वचन वाज टू किल 5 पांडव इजीली। व्हाट स्मार्ट है, क्या नाम है? प्रीतम। जो भी है, तो एक डिवोटी पूछ रहे हैं कि प्रभु आपने बोला कि कृष्ण तो भीष्म का शब्द पालेंगे, तो भीष्म ने वचन दिया था कि मैं पांडवों को मारूंगा। याद रखिए, भीष्म पांडवों को मारना नहीं चाहते थे, उन्होंने वचन दिया था। तो वचन उनके सामर्थ्य का पार्ट आता है, इच्छा का पार्ट नहीं आता है। और भीष्म मैं इनको करवाऊंगा ये इच्छा था, इसलिए इन्होंने पूरा किया। शुद्ध भक्त जो है दूसरे शुद्ध भक्त को क्यों मारने की इच्छा करेगा? इसलिए इच्छा को पूरा करते भगवान, आपके वचनों को नहीं। हमने कोई वचन ले लिया कि मैं आज पूरे ब्रह्मांड को कोरोना मुक्त कर दूंगा, उसे भगवान बोले तू शांत बैठ, तेरे वचनों से दुनिया नहीं चलती है, समझ रहे हैं? तो ऐसा है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, इसका मतलब ऐसे बोलते हैं डाउट इज अ फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमान व्यक्ति। इसके 3 तालियां, हरि बोल। ठीक है, कौन सा श्लोक है अभी हमारा? 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षितां उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् गुरुनिति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अब क्या किया है भगवान ने, रथ तो बीच में लाया और अब जो है अर्जुन को याद दिलाएंगे कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, देखो। क्योंकि जब आप उन कैरेक्टर्स को देखते हो रथ के बीच में लाए, सारे कौरव दिख रहे हैं, तो क्या होगा? दुशासन को देखोगे, अर्जुन ने अगर दुशासन को देखा होगा तो क्या लगा होगा? खून खोला होगा कि नहीं? अरे नॉर्मल आदमी का भी कोई माँ को गाली दे दे तो, मैंने देखा है लोग लड़ने चले जाते हॉकी स्टिक लेके मारने के लिए, मेरे माँ को बोला कैसे? बहन को कोई बोल दे, आज भी भारतवर्ष में ये हमारी भारतवर्ष में कल्चर आज भी डिग्रेड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऐसे लोग हैं, सरकार के ऊपर छोड़ दिएगा तो लोग पोल डांस करवा देगा,
इनके चक्कर में मत रहिए, समाज को खुद से खड़ा करना होगा। तो ये ऐसे लोग हैं इसलिए। और सोचो अर्जुन जो इतना पावरफुल है उसके पत्नी को इसने हाथ लगाया तो उसको कैसे गुस्सा नहीं आया होगा। लेकिन सोचो गुस्सा भी आ रहा है, दया भी आ रहा है, बहुत कुछ होने वाला है। अभी इनडिसिजिव स्टेट में जाने वाले हैं अर्जुन, पूरा इनडिसिजिव, उनको समझ में नहीं आया करना क्या है। और अंदर से दुख भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, अंदर से शरीर जलने वाला है, अनकंट्रोल्ड ऐसे सिचुएशन होने वाला। अभी अर्जुन की स्थिति को लाने में हमको 2-3 वर्ष ध्यान से सुनना होगा, ठीक है? उस भाव में जाइए, नहीं तो क्या होगा, अर्जुन कोई रोमांटिक हीरो टाइप ने देख लिया, ओके हम युद्ध करेंगे, ऐसा नहीं है, शेड्यूल्ड है ना 9:30 से 11 युद्ध करना, ऐसा नहीं है, तो कोई कंपल्सर नहीं, अंदर से वो हो रहा है अभी। अब अंदर जाए अर्जुन का, अपने आप में अंदर अर्जुन को प्रवेश करवाइए, आप लोग भी ऑनलाइन वाले भी। अभी अर्जुन का भाव समझिए, अर्जुन क्या क्या देख रहा है, दुशासन को देख रहा है, यहाँ पे वो धृतराष्ट्र को देख रहा है जिन्होंने 100 बार डिनाई किया, दुर्योधन को देख रहा है जिसने भीम को जहर पिलाया था, ये वही दुर्योधन है जिसने उनके लाक्षाग्रह को आग लगवाया था, वो देख रहा है। तो वो अब वो अंदर से देखो क्या हो रहा है अर्जुन को, और भगवान बोलते हैं हाँ पश्चैतान, देख लो यही है इनके जिनसे तुम्हें लड़ना है। अच्छा भगवान जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये मतलब ये अभी क्या सोचने वाले, भगवान पहले ही जानते हैं कि युद्ध नहीं करेगा, डरपोक नहीं बोल सकते, लेकिन इसकी भी अवस्था, क्योंकि भक्त है ना ये, अभी अंदर से इसका भी कॉम्बो चालू हो। तो भगवान चाहते थे कि अब ये उस भ्रम में जाए, ही वॉन्टेड देम टू गो इन टू इल्यूजन, क्योंकि जब वो भ्रम में जाएगा तब मैं इसको ज्ञान दूंगा, उसी माध्यम से सबको ज्ञान मिलेगा। तो इसलिए यहां पे ऋषिकेश भी कहा गया ना, आता इस वर्ष 25 बीच में, नहीं नहीं इसमें नहीं है, वो आचार्य ने लिखा। तो हाँ इसमें आचार्य लिखते हैं कि तू क्या देख रहा है ना, जब तू लड़ने ही नहीं वाला तो क्यों लेके जा रहा है, मैं तेरे अंदर की भावना जानता हूं, मतलब आचार्य से भाव भी कहते हैं, वहां क्यों लेके जाने बोल रहा है, मैं जानता हूं तू नहीं लड़ेगा ये देख के, तो वो इंडिकेटेड है। और यहाँ पे पार्थ कहा गया है, अर्जुन को क्या कहा गया है, पार्थ, पार्थ यानी पृथक का बेटा पार्थ। और भगवान ने उनको पार्थ क्यों कहा, उनके क्षत्रिय डायनेस्टी का याद दिलाने के लिए, क्योंकि कुंती कौन थी, वसुदेव की बहन थी, उनके पिता का नाम क्या था, सूर्यसेन, और सूर्यसेन के बहन का बेटा था कुंती भोज, उसको बच्चे नहीं हुए तो कुंती को पार्थ पृथा को वहां दे दिया और उन्होंने नाम रख दिया कुंती, तो उन्होंने उनको लीनेज का याद दिलाया, ठीक है। अब किस किस को देखा अर्जुन ने, रथ लेके जा रहे हैं ना, किस किस को देखा, ध्यान से दुनिया अगले श्लोक में 1:26 तत्रान पश्य स्थितान पार्थ पितृन तथा पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रन पौत्रास्तत सखींस्तथा श्वशुरान सूरदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं में, सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अब ये तो आप सिर्फ नाम सुने, कौन कौन है थोड़ा सुन लीजिए। पिता में, पिता के समान कौन कौन थे, भूरिश्रव थे, भूरिश्रव जो थे ये उनके पिताजी के साथी थे और सोमदत्त के पिता थे। तो भूरिश्रव को किसने मारा, सात्यकी ने मारा था, सोमदत्त के बेटे थे भूरिश्रव। तुम उस टाइम के आदमी हो गए, 5000 साल पहले रात भी लग जाएगा जोरदार तालीस के लिए। ग्रैंडफादर्स जो पितामह है उसमें भीष्म और सोमदत्त आएंगे, तो सोमदत्त को भी सात्यकी ने मारा। शिक्षक टीचर्स में द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आएंगे। मामा लोगों में शाल्य और शकुनी आएंगे, तो शाल्य को युधिष्ठिर ने मारा। और भाइयों में दुर्योधन और बाकी भाई आएंगे। बेटा के रूप में लक्ष्मणा यानी दुर्योधन का जो बेटा था वो आएंगे। ग्रैंडसन्स जो लक्ष्मण के बेटे हैं वो लोग, उनके बेटे आएंगे। हाँ लक्ष्मणा को अभिमन्यु ने मारा, दुर्योधन को तो भीम ने मारा। मित्रों में अश्वत्थामा जयद्रथ आएंगे, जयद्रथ को तो खुद अर्जुन ने मारा। आपको याद है द्रौपदी को किडनैप करके ले जा रहा था और मालूम है ना सूर्य को ढक दिया था, ग्रहण करवा दिया था। तो ग्रहण किसकी इच्छा से होता है, सारे ग्रह किसकी इच्छा से नाचते हैं। भगवान बोलते हैं धारयामि अहम् ओजसः, ऑल दिस प्लैनेट्स आर मूविंग जस्ट बिकॉज ऑफ मी।
मत भयाद वादी वतो यम दहति अग्निश्चंद्र दहति मत भयाद, डरते मेरे से टाइम पे नहीं आए तो। ऐसा है भैया, भगवान सब है, प्यार भी करते तो डिसिप्लिन भी। फादर इन लॉ, ससुर लोग भी थे, वेल विशर्स, कृतवर्मा, भगदत्त, भगदत्त को भी अर्जुन नहीं मारा था, तो ये लोग उसके वेल विशर्स थे। तो इन लोगों को अब देखा है, अभी इनको कैसे मारे, एक सवाल हो जाता है, अपने ही लोगों को कैसे मारे। बात समझ रहे हो? अब ये तो ऐसा हो गया ना कि जिनके लिए आपने पूरा जिंदगी जिया, हाँ, जिनके लिए आपने पूरा जिंदगी जिया, वही आपके सामने आके आपको मारने के लिए खड़े हैं। जिनके लिए आपने अपना जीवन समर्पण कर दिया, वही आपके मारने के लिए तैयार हैं। इन्वर्टर लगा है? वाह, तो इसमें फैन नहीं चलता? अच्छा ऐसा है, हरे कृष्ण। तो नेपाल के एक प्रभु जी ने दिया ना डोनेशन, इन्वर्टर का, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच उनके लिए। तो जिनके लिए हम जिंदगी जीते हैं, हाँ, जो स्त्री अपने पति के लिए इतना काम करती है, अगर वही कुछ धोखा दे दे तो कितना बुरा लगेगा? जो पति जिस पत्नी के लिए कमा रहा है वही धोखा दे दे तो कैसा लगेगा? जो माँ अपने बच्चे के लिए इतना करती है, वो बच्चा ही जब उसको घर से बाहर निकाल देगा कैसा लगेगा? जब कोई बच्चा पढ़ता है उसको एग्जाम में जबरदस्ती कुछ कर दे तो कैसा लगेगा? तो व्यक्ति पूरा मेहनत लगाता है, पूरा जीजन लगाता है, और जिसके लिए किया वही जब आपको मारने आता है तो सोचो उस आदमी की क्या अवस्था होगी। तो मराठी में एक मूवी है नट सम्राट करके, तो उस नट सम्राट में एक डायलॉग है ना, ये डायलॉग शेक्सपियर के उससे आता है, जगाव कि मराव, हा एक प्रश्न है, टू बी और नॉट टू बी इज अ क्वेश्चन। तो बहुत अच्छा है, मैं आपको वो डायलॉग बताता हूं, बहुत सुंदर है वो, बहुत अच्छा है, मैंने आपके लिए निकाल के रखा है वो। उस ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं मराठी में, थोड़ा मैं उसको ट्रांसलेशन कर दूंगा बाद में हिंदी में। वो फीलिंग देता है कि प्रभु ये मैं कहां आ गया हूं, है ना, बहुत सुंदर है, आप सुन सकते हैं, आप नट सम्राट के डायलॉग्स भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। वैसे हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, एग्जाम का भी पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको अर्जुन की अवस्था समझा रहा हूं, आप समझिए उसका क्या सिचुएशन होगा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर एक वो है, हाँ, वो कह रहे हैं, वो एक सॉन्ग है, कुणीतरी घर देता का घर, एका तूफान वाला कुणी घर देता का, हाँ, वो अपने आप को तूफान कह रहे हैं, यानी अपना एक नेचर होता है, स्वभाव का नेचर, एक हर व्यक्ति का एक नेचर होता है। तो कह रहे हैं मुझे कोई जगह देगा क्या? अरे एक तूफान भिंती वाचून, छपरा वाचून, माणसाच्या माये वाचून, देवाच्या दये वाचून, डोंगरा डोंगरात हिंडतय जिथून कोणी उठवणार नाही अशी एक जागा ढूंढतय, कोणी घर देता का घर, कोई जगह दे देगा मुझे थोड़ा, कहां जाऊं मैं? तुम लोग मारने के लिए रेडी हो, मुझे राज्य की कामना नहीं है, अर्जुन की यही अवस्था है ना, आपको मारने की मेरी इच्छा नहीं है, सामर्थ्यशाली हूं, जीत सकता हूं, पर मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, तो मुझे कहीं जगह दे दो। अर्जुन बोलते भी है कृष्ण को कि मैं छोड़ के जाता हूं, ये इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन है, मैं जाके सन्यास लेके पहाड़ पे बैठ जाता हूं। भगवान बोला ठीक है तू चला जाएगा, लेकिन फिर ये द्रौपदी को वस्त्र करेगा तो तू क्या करेगा? बोला मार दूंगा। तो बोला फिर देख तेरा गुण गया नहीं। तो कह रहे तूफान को घर दे सकता है क्या? तूफान जा रहेगा घर उध्वस्त हो जाएगा या तूफान वाला कोई घर देता का घर? सुंदर है, कह रहे बाड़ा घर सांगतो, तूफान आता थकून गेलो, अब मैं थक गया हूं, मेरे ही नेचर से मैं परेशान हूं, झाड़ा झुड़पात डोंगर दरियात अर्ध अधिक टूटून गेले, जो इतने लोगों से टक्कर खाते खाते टूट गए वो अपने ही सामर्थ्य से परेशान है। समुद्राच्या लाटावरती वणव्याच्या जाळावरती, समुद्र के लहरों पे और जो आग लगता है फॉरेस्ट फायर उसको जलाने में, तूफान आता थकले, झुंज देऊन देऊन तूफान आता थकले, लड़ाई करते करते थक गए, हाँ, जड़के तुटके पंख पालवी खुरडत खुरडत उड़त आहे, यहां वहां छोटा छोटा होके उड़ रहा है, खर सांगतो बाळा नो तूफानाला तूफानच लड़ते, और तूफान को तूफानी वो उसका तूफानी पना ही उसको तकलीफ दे रहा है। तो हर व्यक्ति जो है, हाँ, अपने ही नेचर से लड़ रहा है। तो अर्जुन का नेचर है क्षत्रिय का,
तो एक्चुअली भगवान यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि हम सबका एक नेचर है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई माँ है, कोई पिता है, कोई दादाजी है, कोई बेटा है, कोई स्टूडेंट है, कोई गुरु है, ये सब रोल है सोसाइटी में, रंगमंच है जीवन, एक रंगमंच है। हाँ, जीवन को एक रंगमंच माना गया है और इस रंगमंच में ये जो रंगमंच है प्लेटफॉर्म स्टेज होता है ना, तो जीवन एक रंगमंच है। इस रंगमंच पे हम आते हैं, इधर से आते हैं, एक किरदार निभाते हैं, इधर से निकल जाते हैं। इस जन्म में आते हैं, किसी का बेटा बन गए, किसी का पिता बन गए, किसी का भाई बन गए, लेकिन अंदर से हमें मालूम होना चाहिए न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भरता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हाँ, इधर आना तो चाहिए दिखने के लिए, ये एक आपका सहारा है, ये एक आपका सहारा है, लेकिन एक्चुअली ये सब इधर तक ही है, असली सहारा तो यहां बैठा हुआ है। तो जिंदगी में आके अगर आपने भक्ति नहीं किया तो समझो आप आए और गए। लोचन बोले से ही पापी खेलो आर गे लो, खत्म। और सवाल आता है यहां मैं इसे लड़ू कि नहीं लड़ू, जगा वो कि मरा वो, हा एक प्रश्न है। द क्वेश्चन इज टू बी और नॉट टू बी। बहुत द्वंद्व होता है अंदर में, क्या करूं। अर्जुन का ये अवस्था हो गया, रो रहा है वो, बोले हो अर्जुन रो रहा है। तो आइए ये जो 27वां श्लोक है खत्म कर देते हैं, तो कम से कम जो हमारा थर्ड पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, फोर्थ पार्ट कल देखेंगे। थोड़ा हम लोग डिले चल रहे हैं एक सेशन से, लेकिन फिर भी करेंगे क्योंकि ये बैकग्राउंड है ना, ये समझेगा नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो 27वां श्लोक ले लेते हैं। तान समीक्ष से कौनते सर्वान बंधान अवस्थितान कृपया परे आविष्टो विशीतन्नम इदं ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों के इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अभी करुणा से भी अभिभूत हो गए। अभी कोई ये कह सकता है, बहुत सुंदर वर्णन है, मैं फास्ट खत्म करता हूं, टाइम खत्म हो गया है यहां। वो कह, कोई ये कह सकता है कि अरे ये जो करुणा है ये नकली हो सकता है, डर के मारे हो सकता है। तो इधर एक वर्ड है परयाविष्टो, परया यानी ये तृतीय है, तृतीय यानी बाय, तो जो व्यक्ति से आ रहा है वहां का बात हो रहा है, इसलिए ये ओरिजिनल कंपैशन है। ये जहां यहां जो दया आ रहा है अर्जुन को वो ओरिजिनल दया है, नकली नहीं है, ये उसका प्रूफ है। परयाविष्टो और क्या है आगे, हाँ वो कह रहे हैं और ओवरवेलमिंग मर्सी, दया हो गया उनको। अब कोई ये कह सकता है कि हाँ जैसे शास्त्रों में भी कहा गया है मां हिंसयात सर्वभूतानी डू नॉट कमिट वायलेंस अगेंस्ट एनी लिविंग एंटिटी। ये छांदोग्य उपनिषद 8:15, महाभारत 12:316-18 में भी आता है कि आप हिंसा मत करें किसी और जीव के बारे में। तो हम क्या सोचते हैं सिर्फ मारा मारी, नहीं। तो ये गलत अंडरस्टैंडिंग अर्जुन के दिमाग में है, जो आजकल हर एक व्यक्ति के अंदर में वही है, एक बकवास दया है। आप देखिए कुछ लोग ऐसे ना बर्ड्स वर्ड्स पालते हैं, आई लव बड़ा, इधर चिकन खाते हैं, इधर दया दिखाते हैं। तो भगवान ये हिपोक्रेसी तोड़ने के लिए अर्जुन को भी उसी मोहमाया में डाल दिया ताकि उनके माध्यम से वो समाज को गाइडेंस कर सके। तो अगर कोई गीता पढ़ेगा तो कभी उसके साथ अन्याय होने का सवाल ही नहीं है। अच्छा, तो अगर आप ये शब्द देखेंगे तो ये है कृपया परयाविष्ट। तो कोई कह सकता है परया को तुमने कर दिया, अपरया भी हो सकता है। तो आचार्य कहते हैं अपरया का मतलब है ये दया उसने अपने लोगों पे भी दिखाया था, अब इनके ऊपर भी दया आ रहा है, इसका मतलब ये है। आचार्य बहुत स्मार्ट है, दोनों वर्ड भी लोगे तो बता देते हैं क्या है, ठीक है। वैसे आपके काम का नहीं, जब डिबेट में जाएगा तो काम आ सकता है। और परा सुपीरियर प्रकार का दया है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा दया, बहुत दिल से किया था, ठीक है। और अभी जो है अर्जुन का आगे हाथ पांव थरथराएगा अगले श्लोकों से, 28 से इसमें, अभी एक मिनट है ना, तो इसमें कल ही आपको डायग्राम बना के दे दूंगा, अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप में से जो सवाल है मैं कमेंट्स देख लूंगा, 2-3 दिन से मैंने कमेंट्स देखे नहीं, आज देख लूंगा। और कल के सेशन में हम लोग बचे हुए श्लोक खत्म कर देंगे, तो कल पहला अध्याय हमारा खत्म हो जाएगा, तत्पश्चात दूसरा अध्याय को हम लोग चालू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्लोक प्रभुपाद की जय।